जवानों को खो दिया बम ब्लास्ट छब्बीस ग्यारह और अब पुलवामा हमने सुसाइड अटैक किया उन्होंने स्ट्राइक। वो है जो उन्हें ठोक देता है पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तुमने ऑकी किया है मालिक हम है वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ दोस्तों जो कि फाइटर मूवी के बारे में 2024 में रिलीज की गई ऋतिक रोशन एंड दीपिका पैरागोर स्टारर फिल्म एंड अनिल कपूर स्टारर फिल्म फाइटर जो कि ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई है इस फिल्म टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में तो अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी फ़ाइटर मूवी को देखने के लिए आए हैं तो आप जिसको बता दूँ इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको फाइटर मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि यह फिल्म आपको कहाँ पर और ऑफिशियली कैसे देख सकते हो तो इस फिल्म को वो बताया जाएगा और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म कैसी है फिल्म का रिव्यू किया जाने वाला है जिससे आप जिसका टाइम थोड़ा सा बच सकते अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो जिसमें आप उसको इस वीडियो के अंदर इस फिल्म का रिव्यू भी देखने को मिलेगा साथ इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और साथ ही इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और यहाँ पर म्यूजिक डिपार्टमेंट और यहाँ पर डायरेक्शन के ऊपर ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फाइटर मूवी की तो फाइटर ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी और इसको सेंसर की तरफ से दो घंटे चालीस मिनट का रनिंग टाइम और ड्यूरेशन दिया गया है और यहाँ पर इस को जो रेटिंग मिली हुई है टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है वो भी जो कि गूगल के ऊपर और यहाँ पर इसको इस ट्वेंटी फाइव जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ करवाया गया था थिएटर में और ये एक जब थिएटर में रिलीज़ हुई थी तो फिल्म को जो कि कुछ खास रिव्यूज़ भी नहीं मिले थे वो भी बात करते हैं सबसे पहले इस फिल्म को जो रेटिंग वगैरह है ना टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है एटी सिक्स परसेंट लाइक भी मिले हुए हैं और यहाँ पर इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सिद्धार्थ आरिया ने टू पॉइंट फाइव बिलियन से यार इंडियन रुपीज़ में फिल्म का जो बजट था यानी ढाई सौ करोड़ फिल्म का बजट था और फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी वाईकॉम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर स्टोरी फिल्म को जो कि लिखा था रोमन चेब ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद ने तो यहाँ पर सारा कुछ बात करते हैं आगे के बारे में तो फाइटर मूवी की बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ फाइटर 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन जो कि हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा वाली फिल्म थी डायरेक्टर जो कि सिम को रखिए सिद्धार्थ आना बेस्ड जो कि स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर रोमांचिव प्रोड्यूसर हैं फिल्म के और यहाँ पर जो स्टोरी बेस्ड है ना वो नाइन्टीज़ तो के ज़माने के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर गाजा के ऊपर यहाँ पर जो अटैक्स वगैरह है ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म थी तो उसके ऊपर भी बात करते हैं आगे डिटेल के साथ यहाँ पर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं वाईकम एटी स्टूडियोज और यहाँ पर मारफ्लिक्स पिक्चर्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पर डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आ ने स्टोरी को लिखा है रोमन चिप ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आरोन ने स्क्रीन प्ले रोमन चिप ने मिलकर जो कि लिखा है और यहाँ पर डैलाक्स को लिखा है हुसैन दलाल ने और यहाँ पर अब्बास दलाल और यहाँ पर बिस्वत सरकार ने और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं ममता आनंद और यहाँ पर अंजीत अंदारे अनकू पांडे और यहाँ पर रोमन चिप और यहाँ पर कैमन बेस और यहाँ पर बात करें सैनोडोग्राफ़ी की थी तो यहाँ पर सच थे सचिन जो कि पॉलिस के सनोडोग्राफर हैं आरिफ शेख सिंह के एडिटर हैं और यहाँ पर फिल्म को म्यूजिक दिया हुआ था सचिन बलहारे ने और यहाँ पर अंकित बल्हारे ने और यहाँ पर सॉन्ग्स वगैरह को म्यूजिक दिया विशाल शेखर ने और यहाँ पर प्रोडक्शन uh, कंपनी है वाईकॉम एटीन स्टूडियो फ्लिक्स पिक्चर्स और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वाईकोम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर रिलीज इस फिल्म की ट्वेंटी फाइव जो कि जैन टू है और फिल्म का रनिंग टाइम जो है सेंसर की तरफ से मिला हुआ वो है एक मिनट यानी दो घंटे जो कि छियालीस मिनट और यहाँ पर इस फिल्म को जो लैंग्वेज है ना वो हिंदी की है और फिल्म का बजट था ढाई सौ करोड़ फिल्म ने बॉक्स पर तीन सौ सैंतीस करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म बॉक्स पर हिट का टैग लेने में भी, भी कि कामयाब हो चुकी है तो यहाँ पर बात करें स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ इस फिल्म को जो कि पहले ऑफिशियल रिलीज़ करवाया जाने वाला था थिएटर में तीस सेप्टेम्बर टू में बाद में फिल्म को जो कि 25 जनवरी 2024 में ऑफिशियल रिलीज़ करवा दिया गया रिपब्लिक डे के मौका पर और इस फिल्म को उस टाइम पे मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले कुछ खास जो कि रिव्यूज़ ना मिलने की वजह से ये फिल्म जो कि बॉक्सेस पर ठीक ठाक है एवरेज जो कि बॉक्सेस पर कलेक्शन कर, कर, कर जाती है लेकिन उतना कलेक्शन नहीं करती जितना ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही थी और ऑडियंस इनको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी तो ये भी ठीक ठाक बजट है और इसमें ने काफ़ी अच्छा जो कि कलेक्शन किया हुआ है यहाँ पर बात करें फ़िल्म की स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के ऊपर जो कि टेरिस्ट अटैक वगैरह होते हैं ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर प्लान वगैरह किए जाते हैं जो इंडिया के ऊपर टारगेट करके जो कि <laughs> ट्रैक के कट के जो प्लान वगैरह किए गए होते हैं अटैक के उन्हीं के ऊपर बेस्ड की गई ये फिल्म है और यहाँ पर कौन कौन सी कास्ट हमें देखने को मिली है वो उसके ऊपर बात करें तो यहाँ पर ऋतिक रोशन जो कि इस फिल्म के अंदर स्क्वाडन लीडर का रोल प्ले करें जिनका नाम शमशेर होता है और यहाँ पर दीपिका पैडाउकोड स्क्वाडर जो कि यहाँ पर स्क्वाडन लीडर के रोल में प्ले कर रही हैं और यहाँ पर मिनल मिनी उनका नाम होता है और यहाँ पर अनिल कपूर भी हैं जो ग्रुप कैप्टन का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम राकेश होता है और यहाँ पर करण सिंह ग्रोवर फिल्म के अंदर स्कॉर्ड लीडर का रोल प्ले करो यहां पर उनका नाम सरताज होता है और यहाँ पर जो कि अक्षय ओपराए फिल्म के अंदर स्कॉड लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम इस फिल्म के अंदर बाशीर ख़ान होता है और यहाँ पर ऋषभ सिनवे फिल्म के अंदर जो कि अजहर अख्तर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर संजीदा शेख फिल्म के अंदर सांची गिल का रोल प्ले कर यहाँ पर अशुतोश आतुश अशुतोष राणा जो इस फिल्म के अंदर ना राठौड़ का रोल प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर जो कि गेस्ट अपीरेंस में देखने को मिल जाते हैं गीता अग्रवाल इस फिल्म के अंदर उषा राठौर का रोल प्ले करिए यहाँ पर तलत अजीज फिल्म के अंदर मिस्टर पथ का रोल प्ले करो यहाँ पर शरीफ हाशमी फिल्म के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले कर यहाँ पर बात करें आगे कास्ट की तो यहाँ पर संजीव जयसवाल इसम के अंदर मजीद खान का रोल प्ले करो यहाँ पर बवीन सिंह इसम के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें उनका नाम होता है सुखी और यहाँ पर महेश शेट्टी फिल्म के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें वो 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 भी उनका नाम होता है फिल्म के अंदर राजन उन्नी जो कि उन्नी आनीन जो कि उनका नाम होता है सीरत मस्द इस के अंदर स्कॉडलीलर का रोल प्ले कर रहे हैं और इनका नाम होता है नाइना और यहाँ पर बात करें निशान खान खानूजू की तो फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं और यहाँ पर चंदन के आनंद इसम के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले करें उनका नाम हर्ष नॉटी होता है और यहाँ पर मुश्ताक केकल के अंदर मकसूद अब्रार का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर विनो वर्मा इस फिल्म के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर हरीश इस इसम के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रोल प्ले कर यहाँ पर रोमन शेप फिल्म के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर चंद्रशेखर सिम के अंदर राव एजेंट जैर जरीना का रोल प्ले कर रही हैं और यहाँ पर सामविंदना इस फ़िल्म के अंदर भी रोल प्ले करती हुई दिखाई हैं बाशी की वाइफ का और यहाँ पर गीता सोदी फिल्म के अंदर मिस्टर मिसिस खान का रोल प्ले कर यहाँ पर और गुरमीत चावला इस फ़िल्म के अंदर जो कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ का रोल प्ले कर रही हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले कर रही है और ये सारी कास्ट वगैरह जो अपना अपना रोल प्ले करने के साथ साथ जो कि के अंदर देखने को मिली है कास्ट वगैरह भी ठीक ठाक है और यहाँ पर जो कि एक्टिंग के वाइस देखा जाए तो यहाँ पर एक्टिंग वाइज सारी की जो के देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी है और यहाँ पर जो के ख़ास एक्टिंग हमें देखने को मिली है ऋतिक रोशन की और यहाँ पर दीपिका की भी एक्टिंग ठीक है और यहाँ पर अनिल कपूर का भी फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छा रोल देखने को मिला है तो यहाँ पर ये यह सारी कास्ट वगैरह थी जो अपना अपना रोल प्ले कर रही थी आपसे ओपिनियन देखा जाए तो आपने ओवरऑल मूवी देख रखी होगी तो देखा है तो आपको कौन सा सीन सबसे बेस्ट लगा और कौन सा सीन के साथ साथ आपको कौन किन एक्टर की सबसे अच्छी एक्टिंग लगी और यहाँ पर आपको ये फिल्म भी अच्छी लगी या नहीं वो भी आपने लव कमेंट बॉक्स में जरूरी अपना ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ऐसी मूवी से रिलेटेड अपडेट्स रहने के लिए और यहाँ पर बता दूँ आपको ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी कहाँ पे देखने को मिल जाए मिलेगी और यहाँ पर आप जो कैसे सिम को ओ टी प्लेटफॉर्म पर और कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकती होती है ये फिल्म आपको ऑफिशली कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके बारे ऊपर भी बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ सिम का फर्स्ट टीजर आठ दिसंबर को टू में रिलीज़ करवाया गया था फिफ्टी जन टू में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन करके रिपब्लिक डे के मौका पर रिलीज़ करवाया गया ट्वेंटी फाइव जन टू में और यहाँ पर रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज़ होने के बाद इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज़ मिले और यह फिल्म बॉक्स पर एक अच्छी खासी फिल्म चल गई लेकिन उतना इस फिल्म को नुकसान हो सकता था लेकिन फिर भी ये फ़िल्म चल गई और अपना बजट भी रिकवर कर गई तो यहाँ पर बात करें नेटफ्लिक्स की तो यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है ये हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हो चुकी है जी हाँ दोस्तों हिंदी में आप दूसरी फिल्म को ऑफिशियली वॉच कर सकते हो नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी हिंदी सब और इंग्लिश सब दोनों में तो आप दूसरी फिल्म को जिस भी लैंग्वेज में देखना चाहो जिस भी सब में देखना चाहो तो वहाँ पर आप दोस्त देख सकते हो और साथ ही इस फिल्म को अगर आप आपने ऑलरेडी देख रखा है तो आपने लाजमी कन्बॉस में ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही आप दोस्त ऋतिक रोशन के डाई हार्ट फैन हो तो लाजमी वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी डिस्क्रिप्शन में कर देना और सॉरी कम रोल्स में कर देना और यहाँ पर वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ दोस्तों जो कि फाइटर मूवी के बारे में 2024 में रिलीज की गई ऋतिक रोशन एंड दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म एंड अनिल कपूर स्टारर फिल्म फाइटर जो कि ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई है इस फिल्म टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में तो अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी फ़ाइटर मूवी को देखने के लिए आया है तो आप जिसको बता दूँ इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको फाइटर मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर और ऑफिशियली कैसे देख सकते हो तो इस फिल्म को वो बताया जाएगा और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म कैसी है फिल्म का रिव्यू किया जाने वाला है जिससे आप जिसका टाइम थोड़ा सा बच सकते अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो जिसमें आप उसको इस वीडियो के अंदर इस फिल्म का रिव्यू भी देखने को मिलेगा साथ इस के फैक्ट के फैक्ट्स बारे में बताया जाएगा और साथ ही का पोस्ट प्रोडक्शन और बॉक्स कलेक्शन और यहाँ पर म्यूजिक डिपार्टमेंट और यहाँ पर के ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फाइटर मूवी की तो फाइटर ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी और इसको सेंसर की तरफ से दो घंटे चालीस मिनट का रनिंग टाइम और ड्यूरेशन दिया गया है और यहाँ पर इस को जो रेटिंग मिली हुई है टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है वो भी जो कि गूगल के ऊपर और यहाँ पर इसको ट्वेंटी फाइव जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ करवाया गया था थिएटर में और ये एक जब थिएटर में रिलीज़ हुई थी तो फिल्म को जो कि कुछ खास रिव्यूज़ भी नहीं मिले थे वो भी बात करते हैं सबसे पहले इस फिल्म को जो रेटिंग वगैरह है टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है एटी सिक्स परसेंट लाइक भी मिले हुए हैं और यहाँ पर इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सिद्धार्थ आरिया ने टू पॉइंट फाइव बिलियन से यार इंडियन रुपीज़ में फिल्म का जो बजट था यानी ढाई सौ करोड़ फिल्म का बजट था और फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी वाईकॉम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर स्टोरी फिल्म को जो कि लिखा था रोमन चेब ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद ने तो यहाँ पर सारा कुछ बात करते हैं आगे सम के बारे में तो फाइटर मूवी की बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ फाइटर 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन जो कि हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा वाली फिल्म थी डायरेक्टर जो कि सिम को रखिए सिद्धार्थ आना बेस्ड जो कि स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर रोमांचि प्रोड्यूसर हैं फिल्म के और यहाँ पर जो स्टोरी बेस्ड है ना वो नाइन्टीज़ तो के ज़माने के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर गाजा के ऊपर यहाँ पर जो अटैक्स वगैरह है ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म थी तो उसके ऊपर भी बात करते हैं आगे डिटेल के साथ यहाँ पर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं वाईकम एटी स्टूडियोज़ और यहाँ पर मारफ्लिक्स पिक्चर्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पर डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आ ने स्टोरी को लिखा है रोमन चिप ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आरोन ने स्क्रीन प्ले रोमन चिप ने मिलकर जो कि लिखा है और यहाँ पर डैलाक्स को लिखा है हुसैन दलाल ने और यहाँ पर अब्बास दलाल और यहाँ पर बिसवत सरकार ने और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं ममता आनंद और यहाँ पर अंजीत अंदारे अनकू पांडे और यहाँ पर रोमन चिप और यहाँ पर कैमन बेस और यहाँ पर बात करें सैनोडोग्राफी की थी तो यहाँ पर सचिन थे सचिनठ जो कि पॉलिस फिल्म के सैनोडोग्राफर हैं आरिफ शेख सिंह के एडिटर हैं और यहाँ पर फिल्म को म्यूजिक दिया हुआ था सचिन बलहारे ने और यहाँ पर अंकित बल्हारे ने और यहाँ पर सॉन्ग्स वगैरह को म्यूजिक दिया विशाल शेखर ने और यहाँ पर प्रोडक्शन uh, कंपनी है वाईकॉम एटीन स्टूडियो फ्लिक्स पिक्चर्स और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वाइकम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर रिलीज डेट इस फिल्म की ट्वेंटी फाइव जो कि जैन टू है और फिल्म का रनिंग टाइम जो है सेंसर की तरफ से मिला हुआ वो है एक मिनट यानी दो घंटे जो कि छियालीस मिनट और यहाँ पर इस फिल्म को जो लैंग्वेज है ना वो हिंदी की है और फिल्म का बजट था ढाई सौ करोड़ फिल्म ने बॉक्स पर तीन सौ सैंतीस करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म बॉक्स पर हेट का टैग लेने में भी, भी जो कि कामयाब हो चुकी है तो यहां पर बात करें स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर आप इसको बता दूं इस फिल्म को जो कि पहले ऑफिशियल रिलीज़ करवाया जाने वाला था थिएटर में तीस सेप्टेम्बर टू में बाद में फिल्म को जो कि ट्वेंटी जनवरी टू में ऑफिशियल रिलीज करवा दिया गया रिपब्लिक डे के मौका पर और इस फिल्म को उस टाइम पर मिक्सड रिव्यूज़ मिले कुछ खास जो कि रिव्यूज़ ना मिलने की वजह से ये फिल्म जो कि बॉक्सेस पर ठीक ठाक एवरेज जो कि बॉक्सेस पर कलेक्शन कर जाती है लेकिन उतना कलेक्शन नहीं करती जितना ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही थी और इसे ऑडियंस इनको देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी तो यह भी ठीक ठाक बजट है और इसम ने काफ़ी अच्छा जो कि कलेक्शन किया हुआ है यहां पर बात करें फिल्म की स्टोरी के बारे में तो यहां पर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के ऊपर जो कि टेरिस्ट अटैक वगैरह होते हैं ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर प्लान वगैरह किया जाते हैं जो इंडिया के ऊपर टारगेट करके जो कि ट्रैक करके जो प्लान वगैरह किए गए होते हैं अटैक के उन्हीं के ऊपर बेस्ड की गई ये फिल्म है और यहाँ पर कौन कौन सी कास्ट हमें देखने को मिली है वो उसके ऊपर बात करें तो यहाँ पर ऋतिक रोशन जो कि इस फिल्म के अंदर स्क्वाडन लीडर का रोल प्ले करें जिनका नाम शमशेर होता है और यहाँ पर दीपिका पैडाउकोड स्क्वाडर जो कि यहाँ पर स्क्वाडन लीडर के रोल में प्ले कर रही हैं और यहाँ पर मिनल मिनी उनका नाम होता है और यहाँ पर अनिल कपूर भी हैं जो ग्रुप कैप्टन का रोल प्ले कर उनका नाम राकेश होता है और यहाँ पर करण सिंह ग्रोवर फिल्म के अंदर स्क्वाड लीडर का रोल प्ले कर यहाँ पर उनका नाम सरताज होता है और यहाँ पर जो कि अक्षय ओपराए फिल्म के अंदर स्कॉड लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम इस फिल्म के अंदर बाशीर ख़ान होता है और यहाँ पर रिशभ सिनवे फिल्म के अंदर जो कि अजहर अख्तर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर संजीदा शेख फिल्म के अंदर सांची गिल का रोल प्ले कर यहाँ पर अशुतो अश आतुश अशुतोष राना जो फिल्म के अंदर ना राठौड़ का रोल प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर जो कि गेस्ट अपीरेंस में देखने को मिल जाते हैं गीता अग्रवाल इस फिल्म के अंदर उषा राठौर का रोल प्ले कर पर तलत अजीज़ फिल्म के अंदर मिस्टर पथ का रोल प्ले करो यहाँ पर शरीफ हाशमी फिल्म के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले कर यहाँ पर बात करें आगे कास्ट की तो यहाँ पर संजीव जायसवाल फिल्म के अंदर मजीद खान का रोल प्ले करो यहाँ पर बवीन सिंह इसम के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें उनका नाम होता है सुखी और यहाँ पर महेश शेट्टी फिल्म के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें वो 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 भी उनका नाम होता है फिल्म के अंदर राजन उन्नी जो कि उन्नी आनीथन जो कि उनका नाम होता है सीरत मस्द इसम के अंदर स्कॉडलीलर का रोल प्ले कर रहे हैं और इनका नाम होता है नाइना और यहाँ पर बात करें निशान खा खानूजू की तो फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं और यहाँ पर चंदन के आनंद इसम के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले करें उनका नाम हर्ष नोटी होता है और यहाँ पर मुश्ताक केकल के अंदर के मकसूद अबरार का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर विनो वर्मा इस फिल्म के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर हरीश कात्री इस फिल्म के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रोल प्ले कर यहाँ पर रोमन शेप फिल्म के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर चंद्रशेखर फिल्म के अंदर राव एजेंट जैर जरीना का रोल प्ले कर रही हैं और यहाँ पर सामविंदना इस फ़िल्म के अंदर भी रोल प्ले करती हुई दिखाई हैं बाशी की वाइफ का और यहाँ पर गीता सोदी फिल्म के अंदर मिस्टर मिसिस खान का रोल प्ले कर यहाँ पर और गुरमीत चावला इस फ़िल्म के अंदर जो कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ का रोल प्ले कर रही हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो सिम के अंदर अपना अपना रोल प्ले कर रही है और ये सारी कास्ट वगैरह जो अपना अपना रोल प्ले करने के साथ साथ जो कि सिम के अंदर देखने को मिली है कास्ट वगैरह भी ठीक ठाक है और यहाँ पर जो कि एक्टिंग तो एक के वाइज़ देखा जाए तो यहाँ पर एक्टिंग वाइज़ सारी की जो कि देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी है और यहाँ पर जो कि ख़ास एक्टिंग हमें देखने को मिली है ऋतिक रोशन की और यहाँ पर दीपिका की भी एक्टिंग ठीक है और यहाँ पर अनिल कपूर का भी के अंदर काफ़ी अच्छा रोल देखने को मिला है तो यहाँ पर ये सारी कास्ट वगैरह थी जो अपना अपना रोल प्ले कर रही थी आपसे ओपिनियन देखा जाए तो आपने ओवरऑल मूवी देख रखी होगी तो देखा है तो आपको कौन सा सीन सबसे बेस्ट लगा और कौन सा सीन के साथ साथ आपको कौन किन एक्टर की सबसे अच्छी एक्टिंग लगी और यहाँ पर आपको ये फिल्म भी अच्छी लगी या नहीं वो भी आपने लगभग कमेंट बॉक्स में जरूरी अपना ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ऐसी मूवी से रिलेटेड अपडेट्स रहने के लिए और यहाँ पर बता दूँ आपको ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी कहाँ पर देखने को मिल जाएगी मिलेगी और यहाँ पर आप दो कैसे सिन को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकती होती है ये फिल्म आपको ऑफिशियली कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके बड़े ऊपर भी बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बता दो सिन का फर्स्ट टीजर आठ दिसंबर को टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में रिलीज़ करवाया गया था फिफ्टी जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन करके रिपब्लिक डे के मौका पर रिलीज़ करवाया करवाया गया ट्वेंटी तो फाइव जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में और यहाँ पर रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज़ होने के बाद इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज़ मिले और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी खासी फिल्म चल गई लेकिन उतना इस फिल्म को नुकसान हो सकता था लेकिन फिर भी यह फ़िल्म चल गई और अपना बजट भी रिकवर कर गई तो यहाँ पर बात करें नेटफ्लिक्स की तो यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशली नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है ये कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हो चुकी है जी हाँ दोस्तों हिंदी में आप दोस्तों फिल्म को ऑफिशली वॉच कर सकती हो नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी हिंदी सब और इंग्लिश सब दोनों में तो आप दूसरी फिल्म को जिस भी लैंग्वेज में देखना चाहो जिस भी सब में देखना चाहो तो वहाँ पर आप दोस्त देख सकते हो और साथ ही फिल्म को अगर आप आपने ऑलरेडी देख रखा है तो आपने लाजमी उनबॉस में ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही आप दोस्तों ऋतिक रोशन के डाय हार्ट फैन

जो कि ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई है इस फिल्म टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में तो अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी फ़ाइटर मूवी को देखने के लिए आया है तो आप जिसको बता दूँ इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको फाइटर मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर और ऑफिशियली कैसे देख सकते हो इस फिल्म को वो बताया जाएगा और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म कैसी है फिल्म का रिव्यू किया जाने वाला है जिससे आप जिसका टाइम थोड़ा सा बच सकते अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो जिसमें आप आपको इस वीडियो के अंदर इस फिल्म का रिव्यू भी देखने को मिलेगा साथ इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और साथ ही इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और यहाँ पर म्यूजिक डिपार्टमेंट और यहाँ पर डायरेक्शन के ऊपर ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फाइटर मूवी की तो फाइटर ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन एक थ्रिलर वाली फिल्म थी और इसको सेंसर की तरफ से दो घंटे चालीस मिनट का रनिंग टाइम और ड्यूरेशन दिया गया है और यहाँ पर इस को जो रेटिंग मिली हुई है टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है वो भी जो कि गूगल के ऊपर और यहाँ पर इसको ट्वेंटी फाइव जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ करवाया गया था थिएटर में और ये एक जब थिएटर में रिलीज़ हुई थी तो फिल्म को जो कि कुछ खास रिव्यूज़ भी नहीं मिले थे वो भी बात करते हैं सबसे पहले इस फिल्म को जो रेटिंग वगैरह हैं टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है एटी सिक्स परसेंट लाइक भी मिले हुए हैं और यहाँ पर इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सिद्धार्थ आर्या ने टू पॉइंट फाइव बिलियन से यार इंडियन रुपीज़ में फिल्म का जो बजट था यानी ढाई सौ करोड़ फिल्म का बजट था और फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी वाईकॉम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर स्टोरी फिल्म को जो कि लिखा था रोमन चेब ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद ने तो यहाँ पर सारा कुछ बात करते हैं आगे सम के बारे में तो फाइटर मूवी की बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ फाइटर 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन जो कि हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा वाली फिल्म थी डायरेक्टर जो कि सिम को रखिए सिद्धार्थ आना बेस्ड जो कि स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर रोमांचि प्रोड्यूसर हैं फिल्म के और यहाँ पर जो स्टोरी बेस्ड है ना वो नाइन्टीज़ तो के ज़माने के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर गाजा के ऊपर यहाँ पर जो अटैक्स वगैरह है ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म थी तो उसके ऊपर भी बात करते हैं आगे डिटेल के साथ यहाँ पर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं वाईकॉम एटी स्टूडियोज़ और यहाँ पर मारफ्लिक्स पिक्चर्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पर डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आ ने स्टोरी को लिखा है रोमन चिप ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आरोन ने स्क्रीन प्ले रोमन चिप ने मिलकर जो कि लिखा है और यहाँ पर डैलाक्स को लिखा है हुसैन दलाल ने और यहाँ पर अब्बास दलाल और यहाँ पर बिस्वत सरकार ने और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं ममता आनंद और यहाँ पर अंजीत अंदारे अनकू पांडे और यहाँ पर रोमन चिप और यहाँ पर कैमन बेस और यहाँ पर बात करें सैनोडोग्राफी की थी तो यहाँ पर सचिन थे सचिनठ जो कि पॉलिस फिल्म के सैनोडोग्राफर हैं आरिफ शेख सिंह के एडिटर हैं और यहाँ पर फिल्म को म्यूजिक दिया हुआ था सचिन बलहारे ने और यहाँ पर अंकित बल्हारे ने और यहाँ पर सॉन्ग्स वगैरह को म्यूजिक दिया विशाल शेखर ने और यहाँ पर प्रोडक्शन uh, कंपनी है वाईकॉम एटीन स्टूडियो मार्कफ्लिक्स पिक्चर्स और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी uh, है वाइकम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर रिलीज की ट्वेंटी फाइव जो कि जैन टू है और फिल्म का रनिंग टाइम जो है सेंसर की तरफ से मिला हुआ वो है एक मिनट यानी दो घंटे जो कि छियालीस मिनट और यहाँ पर इस फिल्म को जो लैंग्वेज है ना वो हिंदी की है और फिल्म का बजट था ढाई सौ करोड़ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तीन सौ सैंतीस करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग लेने में भी, भी जो कि कामयाब हो चुकी है तो यहाँ पर बात करें स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ इस फिल्म को जो कि पहले ऑफिशियल रिलीज़ करवाया जाने वाला था थिएटर में तीस सेप्टेम्बर टू में बाद में फिल्म को जो कि ट्वेंटी जनवरी टू में ऑफिशियल रिलीज़ करवा दिया गया रिपब्लिक डे के मौका पर और इस फिल्म को उस टाइम पर मिक्सड रिव्यूज़ मिले कुछ आज जो कि रिव्यूज़ ना मिलने की वजह से ये फिल्म जो कि बॉक्सेस पर ठीक ठाक है एवरेज जो कि बॉक्सेस पर कलेक्शन कर जाती है लेकिन उतना कलेक्शन नहीं करती जितना ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही थी और ऑडियंसेस इनको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी तो ये भी ठीक ठाक बजट है और इसमें ने काफ़ी अच्छा जो कि कलेक्शन किया हुआ है यहाँ पर बात करें फ़िल्म की स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के ऊपर जो कि टेरिस्ट अटैक वगैरह होते हैं ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर प्लान वगैरह किए जाते हैं जो इंडिया के ऊपर टारगेट करके जो कि <laughs> ट्रैक के कट के जो प्लान वगैरह किए गए होते हैं अटैक के उन्हीं के ऊपर बेस्ड की गई ये फिल्म है और यहाँ पर कौन कौन सी कास्ट हमें देखने को मिली है वो उसके ऊपर बात करें तो यहाँ पर ऋतिक रोशन जो कि इस फ़िल्म के अंदर स्क्वाडन लीडर का रोल प्ले करें जिनका नाम शमशेर होता है और यहाँ पर दीपिका पैडाउकोड स्क्वाडर जो कि यहाँ पर स्क्वाडन लीडर के रोल में प्ले कर रही हैं और यहाँ पर मिनल मिनी उनका नाम होता है और यहाँ पर अनिल कपूर भी हैं जो ग्रुप कैप्टन का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम राकेश होता है और यहाँ पर करण सिंह ग्रोवर सिम के अंदर स्कॉर्ड लीडर का रोल प्ले करो यहां पर उनका नाम सरताज होता है और यहाँ पर जो कि अक्षय ओपराए फिल्म के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम इस फिल्म के अंदर बाशीर ख़ान होता है और यहाँ पर रिशभ सिनवे फिल्म के अंदर जो कि अजहर अख्तर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर संजीदा शेख फिल्म के अंदर सांची गिल का रोल प्ले कर यहाँ पर अशुतो अश आतुशो अशुतोष राणा जो फिल्म के अंदर ना राठौड़ का रोल प्ले कर रहे करें फिल्म के अंदर जो कि गेस्ट अपीरेंस में देखने को मिल जाते हैं गीता अग्रवाल इस फिल्म के अंदर उषा राठौर का रोल प्ले करी है यहाँ पर तलत अजीज़ फिल्म के अंदर मिस्टर पथ का रोल प्ले करे यहाँ पर शरीफ हाशमी फिल्म के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले कर यहाँ पर बात करें आगे कास्ट की तो यहाँ पर संजीव जयसवाल फिल्म के अंदर मजीद खान का रोल प्ले कर यहाँ पर बवीन सिंह इसम के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें उनका नाम होता है सुखी और यहाँ पर महेश शेट्टी फिल्म के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें वो 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 भी उनका नाम होता है फिल्म के अंदर राजन उन्नी जो कि उन्नी आनीन जो कि उनका नाम होता है सीरत मस्द इसम के अंदर लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं और इनका नाम होता है नाइना और यहाँ पर बात करें निशान खा खानूजू की तो फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं और यहाँ पर चंदन के आनंद इसम के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले करें उनका नाम हर्ष नोटी होता है और यहाँ पर मुश्ताक केकल के अंदर मकसूद अबरार का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर विनो वर्मा इस फिल्म के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर हरीश कातरी इस फिल्म के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रोल प्ले कर यहाँ पर रोमन शेब इसम के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर चंद्रशेखर फिल्म के अंदर राव एजेंट जैर जरीना का रोल प्ले कर रही हैं और यहाँ पर सामविंदना इस फ़िल्म के अंदर भी रोल प्ले करती हुई दिखाई हैं बाशी की वाइफ का और यहाँ पर गीता सोदी फिल्म के अंदर मिस्टर मिसिस खान का रोल प्ले कर यहाँ पर और गुरमीत चावला इस फ़िल्म के अंदर जो कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ का रोल प्ले कर रही हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले कर रही है और ये सारी कास्ट वगैरह जो अपना अपना रोल प्ले करने के साथ साथ जो कि के अंदर देखने को मिली है कास्ट वगैरह भी ठीक ठाक है और यहाँ पर जो कि एक्टिंग के वाइस देखा जाए तो यहाँ पर एक्टिंग वाइज सारी की जो के देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी है और यहाँ पर जो के ख़ास एक्टिंग हमें देखने को मिली है ऋतिक रोशन की और यहाँ पर दीपिका की भी एक्टिंग ठीक है और यहाँ पर अनिल कपूर का भी सीन के अंदर काफ़ी अच्छा रोल देखने को मिला है तो यहाँ पर ये यह सारी कास्ट वगैरह थी जो अपना अपना रोल प्ले कर रही थी आपसे ओपिनियन देखा जाए तो आपने ओवरऑल मूवी देख रखी होगी तो देखा है तो आपको कौन सा सीन सबसे बेस्ट लगा और कौन सा सीन के साथ साथ आपको कौन किन एक्टर की सबसे अच्छी एक्टिंग लगी और यहाँ पर आपको ये फिल्म भी अच्छी लगी या नहीं वो भी आपने लगभग कमेंट बॉक्स में जरूरी अपना ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ऐसी मूवी से रिलेटेड अपडेट्स रहने के लिए और यहाँ पर बता दूँ आपको ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी कहाँ पर देखने को मिल जाएगी मिलेगी और यहाँ पर आप दो कैसे सिन इनको ओ टी प्लेटफॉर्म पर और कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकती होती है ये फिल्म आपको ऑफिशियली कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके बड़े ऊपर भी बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बता दो सिन का फर्स्ट टीजर आठ दिसंबर को टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में रिलीज़ करवाया गया था फिफ्टी जन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन करके रिपब्लिक डे के मौका पर रिलीज़ करवाया करुगा गया ट्वेंटी फाइव जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में और यहाँ पर रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज़ होने के बाद इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज़ मिले और यह फिल्म बॉक्सर्स पर एक अच्छी खासी फिल्म चल गई लेकिन उतना इस फिल्म को नुकसान हो सकता था लेकिन फिर भी यह फिल्म चल गई और अपना बजट भी रिकवर कर गई तो यहाँ पर बात करें नेटफ्लिक्स की तो यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है ये कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हो चुकी है जी हाँ दोस्तों हिंदी में आप दूसरे फिल्म को ऑफिशियली वॉच कर सकती हैं और नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी हिंदी सब और इंग्लिश सब दोनों में तो आप इस फिल्म को जिस भी लैंग्वेज में देखना चाहो जिस भी सब में देखना चाहो तो वहां पर आप दोस्त देख सकते हो और साथ ही फिल्म को अगर आपने ऑलरेडी देख रखा है तो आपने लाजमी ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही आप दोस्तों डाई हार्ट फैन हो तो लाजमी वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कॉमेंट भी डिस्क्रिप्शन में कर देना और सॉरी uh, कम्स में कर देना और यहाँ पर वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना वेलकम बैक दी एन अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ दोस्तों जो कि मूवी के बारे में 2024 में रिलीज की गई ऋतिक रोशन एंड दीपिका पैराकोट स्टारर फिल्म एंड अनिल कपूर स्टारर फिल्म फाइटर जो कि ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई इस फिल्म कोटिड प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में तो अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी फ़ाइटर मूवी को देखने के लिए आया है तो आप जिसको बता दूँ इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको फाइटर मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर और ऑफिशियली कैसे देख सकते हो इस फिल्म को वो बताया जाएगा और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म कैसी है फिल्म का रिव्यू किया जाने वाला है जिससे आप जिसका टाइम थोड़ा सा बच सकते अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो जिसमें आप आपको इस वीडियो के अंदर इस फिल्म का रिव्यू भी देखने को मिलेगा साथ इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और साथ ही इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और यहाँ पर म्यूजिक डिपार्टमेंट और यहाँ पर डायरेक्शन के ऊपर ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फाइटर मूवी की तो फाइटर ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी और इसको सेंसर की तरफ से दो घंटे चालीस मिनट का रनिंग टाइम और ड्यूरेशन दिया गया है और यहाँ पर इस को जो रेटिंग मिली हुई है टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है वो भी जो कि गूगल के ऊपर और यहाँ पर इसको ट्वेंटी फाइव जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ करवाया गया था थिएटर में और ये एक जब थिएटर में रिलीज़ हुई थी तो फिल्म को जो कि कुछ खास रिव्यूज़ भी नहीं मिले थे वो भी बात करते हैं सबसे पहले इस फिल्म को जो रेटिंग वगैरह हैं टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है एटी सिक्स परसेंट लाइक भी मिले हुए हैं और यहाँ पर इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सिद्धार्थ आर्या ने टू पॉइंट फाइव बिलियन से यार इंडियन रुपीज़ में फिल्म का जो बजट था यानी ढाई सौ करोड़ फिल्म का बजट था और फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी वाईकॉम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर स्टोरी फिल्म को जो कि लिखा था रोमन चेब ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद ने तो यहाँ पर सारा कुछ बात करते हैं आगे सिंह के बारे में तो फाइटर मूवी की बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ फाइटर 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन जो कि हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा वाली फिल्म थी डायरेक्टर जो कि सिंह को रखिए सिद्धार्थ आना बेस्ड जो कि स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर रोमांचिव प्रोड्यूसर हैं फिल्म के और यहाँ पर जो स्टोरी बेस्ड है ना वो नाइन्टीज़ तो के ज़माने के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर गाजा के ऊपर यहाँ पर जो अटैक्स वगैरह है ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म थी तो उसके ऊपर भी बात करते हैं आगे डिटेल के साथ यहाँ पर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं वाईकॉम एटी स्टूडियोज़ और यहाँ पर मारफ्लिक्स पिक्चर्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पर डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आ ने स्टोरी को लिखा है रोमन चिप ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आरोन ने स्क्रीन प्ले रोमन चिप ने मिलकर जो कि लिखा है और यहाँ पर डैलाक्स को लिखा है हुसैन दलाल ने और यहाँ पर अब्बास दलाल और यहाँ पर बिसवत सरकार ने और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं ममता आनंद और यहाँ पर अंजीत अंदारे अनकू पांडे और यहाँ पर रोमन चिप और यहाँ पर कैमन बेस और यहाँ पर बात करें सैनोडोग्राफी की थी तो यहाँ पर सचिन थे सचिनठ जो कि पॉलिस के सोडोग्राफर हैं आरिफ शेख सिंह के एडिटर हैं और यहाँ पर फिल्म को म्यूजिक दिया हुआ था सचिन बलहारे ने और यहाँ पर अंकित बल्हारे ने और यहाँ पर सॉन्ग्स वगैरह को म्यूजिक दिया विशाल शेखर ने और यहाँ पर प्रोडक्शन uh, कंपनी है वाईकॉम एटीन स्टूडियो मार्फ्लैक्स पिक्चर्स और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वाईकोम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर रिलीज फिल्म की ट्वेंटी फाइव जो कि जैन टू है और फिल्म का रनिंग टाइम जो है सेंसर की तरफ से मिला हुआ वो है एक मिनट यानी दो घंटे जो कि छियालीस मिनट और यहाँ पर इस फिल्म को जो लैंग्वेज है ना वो हिंदी की है और फिल्म का बजट था ढाई सौ करोड़ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तीन सौ सैंतीस करोड़ का कलेक्शन किया और ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग लेने में भी, भी जो कि कामयाब हो चुकी है तो यहाँ पर बात करें स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ इस फिल्म को जो कि पहले ऑफिशियल रिलीज़ करवाया जाने वाला था थिएटर में तीस सेप्टेम्बर टू में बाद में फिल्म को जो कि ट्वेंटी जनवरी टू में ऑफिशियल रिलीज़ करवा दिया गया रिपब्लिक डे के मौका पर और इस फिल्म को उस टाइम पर मिक्सड रिव्यूज़ मिले कुछ आज जो कि रिव्यूज़ ना मिलने की वजह से ये फिल्म जो कि बॉक्सेस पर ठीक ठाक है एवरेज जो कि बॉक्सेस पर कलेक्शन कर जाती है लेकिन उतना कलेक्शन नहीं करती जितना ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही थी और ऑडियंसेस इनको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी तो ये भी ठीक ठाक बजट है और इसमें ने काफ़ी अच्छा जो कि कलेक्शन किया हुआ है यहाँ पर बात करें फ़िल्म की स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के ऊपर जो कि टेरस्ट अटैक वगैरह होते हैं ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर प्लान वगैरह किया जाते हैं जो इंडिया के ऊपर टारगेट करके जो कि ट्रैक कट के जो प्लान वगैरह किए गए होते हैं अटैक के उन्हीं के ऊपर बेस्ड की गई ये फिल्म है और यहाँ पर कौन कौन सी कास्ट हमें देखने को मिली है वो उसके ऊपर बात करें तो यहाँ पर ऋतिक रोशन जो कि इस फिल्म के अंदर स्क्वाडन लीडर का रोल प्ले करें जिनका नाम शमशेर होता है और यहाँ पर दीपिका पैडाओकोड स्क्वाडर जो कि यहाँ पर स्क्वाडन लीडर के रोल में प्ले कर रही हैं और यहाँ पर मिनल मिनी उनका नाम होता है और यहाँ पर अनिल कपूर भी हैं जो ग्रुप कैप्टन का रोल प्ले कर उनका नाम राकेश होता है और यहाँ पर करण सिंह ग्रोवर फिल्म के अंदर स्क्वाड लीडर का रोल प्ले कर यहाँ पर उनका नाम सरताज होता है और यहाँ पर जो कि अक्षय ओपराए फिल्म के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम इस फिल्म के अंदर बाशीर ख़ान होता है और यहाँ पर रिशभ सिनवे फिल्म के अंदर जो कि अजहर अख्तर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर संजीदा शेख फिल्म के अंदर सांची गिल का रोल प्ले कर यहाँ पर अशुतो अश आतुश अशुतोष राणा जो इस फिल्म के अंदर ना राठौड़ का रोल प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर जो कि गेस्ट अपीरेंस में देखने को मिल जाते हैं गीता अग्रवाल इस फिल्म के अंदर उषा राठौर का रोल प्ले करी यहाँ पर तलत अजीज़ फिल्म के अंदर मिस्टर पथ का रोल प्ले करो यहाँ पर शरीफ हाशमी फिल्म के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले कर यहाँ पर बात करें आगे कास्ट की तो यहाँ पर संजीव जायसवाल फिल्म के अंदर मजीद खान का रोल प्ले कर यहाँ पर बवीन सिंह इस के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें उनका नाम होता है सुखी और यहाँ पर महेश शेट्टी फिल्म के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें वो भी उनका नाम होता है फिल्म के अंदर राजन उन्नी जो कि उन्नी आनीन जो कि उनका नाम होता है सीरत मस्द इसम के अंदर स्कॉडलीलर का रोल प्ले कर रहे हैं और इनका नाम होता है नाइना और यहाँ पर बात करें निशान खा खानूजू की तो फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं और यहाँ पर चंदन के आनंद इसम के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले करें उनका नाम हर्ष नोटी होता है और यहाँ पर आ, मुश्ताक केक के अंदर मकसूद अबरार का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर विनयो वर्मा इस फिल्म के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर हरीश का, कात्री इस फिल्म के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर रोमन शेब के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर चंद्रशेखर सिम के अंदर राव एजेंट जैर जरीना का रोल प्ले कर रही हैं और यहाँ पर सामविंदना इस फ़िल्म के अंदर भी रोल प्ले करती हुई दिखाई हैं बाशी की वाइफ का और यहाँ पर गीता सोदी फिल्म के अंदर मिस्टर मिसिस खान का रोल प्ले कर यहाँ पर और गुरमीत चावला इस फ़िल्म के अंदर जो कि चीफ ऑफ एयर द स्टाफ का रोल प्ले कर रही हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले कर रही है और ये सारी कास्ट वगैरह जो अपना अपना रोल प्ले करने के साथ साथ जो कि सिम के अंदर देखने को मिली है कास्ट वगैरह भी ठीक ठाक है और यहाँ पर जो कि तो एक्टिंग के वाइज़ देखा जाए तो यहाँ पर एक्टिंग वाइज़ सारी की जो कि देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी है और यहाँ पर जो कि ख़ास एक्टिंग हमें देखने को मिली है ऋतिक रोशन की और यहाँ पर दीपिका की भी एक्टिंग ठीक है और यहाँ पर अनिल कपूर का भी इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छा रोल देखने को मिला है तो यहाँ पर ये सारी कास्ट वगैरह थी जो अपना अपना रोल कर रही थी आपसे ओपिनियन देखा जाए तो आपने देख रखी होगी तो देखा है तो आपको कौन सा सीन सबसे बेस्ट लगा और कौन सा सीन के साथ साथ आपको कौन किन एक्टर की सबसे अच्छी एक्टिंग लगी और यहाँ पर आपको ये फिल्म भी अच्छी लगी या नहीं वो भी आपने में जरूरी अपना ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ऐसी रहने के लिए और यहाँ पर बता दूँ आप उसको ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी कहाँ पे देखने को मिल जाए मिलेगी और यहाँ पर आप जो तो कैसे सिम को ओ टी प्लेटफॉर्म पर और कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकती होती है। ये फिल्म आपको ऑफिशली कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके बारे ऊपर भी बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ सिम का फर्स्ट टीजर आठ दिसंबर को टू में रिलीज़ करवाया गया था फिफ्टी जन टू में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन करके रिपब्लिक डे के पौकों पर रिलीज़ करवाया गया ट्वेंटी फाइव जन टू में और पर रिपब्बलिक डे के मौके पर रिलीज होने के बाद इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिले और यह फिल्म बॉक्स पर एक अच्छी खासी फिल्म चल गई लेकिन उतना इस फिल्म को नुकसान हो सकता था लेकिन फिर भी यह फिल्म चल गई और अपना बजट भी रिकवर कर गई तो यहाँ पर बात करें नेटफ्लिक्स की तो यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशली नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है ये कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हो चुकी है जी हाँ दोस्तों हिंदी में आप दूसरी फिल्म को ऑफिशली वॉच कर सकते हो और नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी हिंदी सब और इंग्लिश सब दोनों में तो आप दूसरी फिल्म को जिस भी लैंग्वेज में देखना चाहो जिस भी सब में देखना चाहो तो वहाँ पर आप दोस्त देख सकते हो और साथ ही इस फिल्म को अगर आप आपने ऑलरेडी देख रखा है तो आपने लाजमी कन्बॉस में ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही आप दोस्तों ऋतिक रोशन के डाई हार्ट फैन तो लाजमी वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी डिस्क्रिप्शन में कर देना और सॉरी कमेंट बॉक्स में कर देना और यहाँ पर वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ दोस्तों जो कि फाइटर मूवी के बारे में ट्वेंटी में रिलीज की गई रितिक रोशन एंड दीपिका पैरागोट स्टारर फिल्म एंड अनिल कपूर स्टारर फिल्म फाइटर जो कि ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई इस फिल्म कोटिड प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में तो अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी फ़ाइटर मूवी को देखने के लिए आया है तो आप जिसको बता दूँ इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको फाइटर मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर और ऑफिशियली कैसे देख सकते हो इस फिल्म को वो बताया जाएगा और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म कैसी है फिल्म का रिव्यू किया जाने वाला है जिससे आप जिसका टाइम थोड़ा सा बच सकते अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो जिसमें आप आपको इस वीडियो के अंदर इस फिल्म का रिव्यू भी देखने को मिलेगा साथ इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और साथ ही इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और यहाँ पर म्यूजिक डिपार्टमेंट और यहाँ पर डायरेक्शन के ऊपर ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फाइटर मूवी की तो फाइटर ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी और इसको सेंसर की तरफ से दो घंटे चालीस मिनट का रनिंग टाइम और ड्यूरेशन दिया गया है और यहाँ पर इस को जो रेटिंग मिली हुई है टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है वो भी जो कि गूगल के ऊपर और यहाँ पर इसको ट्वेंटी फाइव जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ करवाया गया था थिएटर में और ये एक जब थिएटर में रिलीज़ हुई थी तो इस को जो कि कुछ खास रिव्यूज़ भी नहीं मिले थे वो भी बात करते हैं सबसे पहले इस इसको जो रेटिंग वगैरह है टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है एटी सिक्स परसेंट लाइक भी मिले हुए हैं और यहाँ पर फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सिद्धार्थ आरिया ने टू पॉइंट फाइव बिलियन से यार इंडियन रुपीज़ में फिल्म का जो बजट था यानी ढाई सौ करोड़ फिल्म का बजट था और फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी वाईकॉम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर स्टोरी फिल्म को जो कि लिखा था रोमन चेब ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद ने तो यहाँ पर सारा कुछ बात करते हैं एगेसन के बारे में तो फाइटर मूवी की बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ फाइटर 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन जो कि हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा वाली फिल्म थी डायरेक्टर जो कि सिंह को किया सिद्धार्थ आना बेस्ड जो कि स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर रोमांचिव प्रोड्यूसर हैं फिल्म के और यहाँ पर जो स्टोरी बेस्ड है ना वो नाइन्टीज़ तो के ज़माने के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर गाजा के ऊपर यहाँ पर जो अटैक्स वगैरह है ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म थी तो उसके ऊपर भी बात करते हैं आगे डिटेल के साथ यहाँ पर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं वाईकॉम एटी स्टूडियोज़ और यहाँ पर मारफ्लिक्स पिक्चर्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पर डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आ ने स्टोरी को लिखा है रोमन चिप ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आरोन ने स्क्रीन प्ले रोमन चिप ने मिलकर जो कि लिखा है और यहाँ पर डैलाक्स को लिखा है हुसैन दलाल ने और यहाँ पर अब्बास दलाल और यहाँ पर बिस्वत सरकार ने और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं ममता आनंद और यहाँ पर अंजीत अंदारे अनकू पांडे और यहाँ पर रोमन चिप और यहाँ पर कैमन बेस और यहाँ पर बात करें सैनोडोग्राफी की थी तो यहाँ पर सचिन थे जो कि पॉलिस के सीनेटोग्राफर सिन्म हैं आरिफ शेख सिंह के एडिटर हैं और यहाँ पर फिल्म को म्यूजिक दिया हुआ था सचिन बलहारे ने और यहाँ पर अंकित बल्हारे ने और यहाँ पर सॉन्ग्स वगैरह को म्यूजिक दिया विशाल शेखर ने और यहाँ पर प्रोडक्शन uh, कंपनी है वाईकॉम एटीन स्टूडियो मार्फ्लैक्स पिक्चर्स और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी uh, है वाईकोम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर रिलीज फिल्म की ट्वेंटी फाइव जो कि जैन टू है और फिल्म का रनिंग टाइम जो है सेंसर की तरफ से मिला हुआ वो है एक मिनट यानी दो घंटे जो कि छियालीस मिनट और यहाँ पर इस फिल्म को जो लैंग्वेज है ना वो हिंदी की है और फिल्म का बजट था ढाई सौ करोड़ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तीन सौ सैंतीस करोड़ का कलेक्शन किया और ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग लेने में भी, भी जो कि कामयाब हो चुकी है तो यहाँ पर बात करें स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ इस फिल्म को जो कि पहले ऑफिशियल रिलीज़ करवाया जाने वाला था थिएटर में तीस सेप्टेम्बर टू में बाद में इस फिल्म को जो कि ट्वेंटी जनवरी टू में ऑफिशियल रिलीज़ करवा दिया गया रिपब्लिक डे के मौका पर और इस फिल्म को उस टाइम पर मिक्सड रिव्यूज़ मिले कुछ पास जो कि रिव्यूस ना मिलने की वजह से ये फिल्म जो कि बॉक्सेस पर ठीक ठाक है एवरेज जो कि बॉक्सेस पर कलेक्शन कर जाती है लेकिन उतना कलेक्शन नहीं करती जितना ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही थी और ऑडियंसेस इनको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी तो ये भी ठीक ठाक बजट है और इसमें ने काफ़ी अच्छा जो कि कलेक्शन किया हुआ है यहाँ पर बात करें फिल्म की स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के ऊपर जो कि टेरिस्ट टे, अटैक वगैरह होते हैं ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर प्लान वगैरह किए जाते हैं जो इंडिया के ऊपर टारगेट करके जो कि ट्रैक के कट के जो प्लान वगैरह किए गए होते हैं अटैक के उन्हीं के ऊपर बेस्ड की गई ये फिल्म है और यहाँ पर कौन कौन सी कास्ट हमें देखने को मिली है वो उसके ऊपर बात करें तो यहाँ पर ऋतिक रोशन जो कि इस फ़िल्म के अंदर स्क्वाडन लीडर का रोल प्ले करें जिनका नाम शमशेर होता है और यहाँ पर दीपिका पैडावो कोड स्क् स्क्वाडर जो कि यहाँ पर स्क्वाडन लीडर के रोल में प्ले कर रही हैं और यहाँ पर मिनल मिनी उनका नाम होता है और यहाँ पर अनिल कपूर भी हैं जो ग्रुप कैप्टन का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम राकेश होता है और यहाँ पर करण सिंह ग्रोवर फिल्म के अंदर स्कॉल लीडर का रोल प्ले करो यहां पर उनका नाम सरताज होता है और यहाँ पर जो कि अक्षय ओपराए फिल्म के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम इस फिल्म के अंदर बाशीर ख़ान होता है और यहाँ पर ऋषभ सिनवे फिल्म के अंदर जो कि अजहर अख्तर का रोल प्ले कर यहाँ पर संजीदा शेख फिल्म के अंदर सांची गिल का रोल प्ले करी यहाँ पर अशुतो अश आतुश अशुतोष राणा जो फिल्म के अंदर नाम अभिचे राठौर का रोल प्ले कर करें फिल्म के अंदर जो कि गेस्ट अपीरेंस में देखने को मिल जाते हैं गीता अग्रवाल इस फिल्म के अंदर उषा राठौर का रोल प्ले करी यहाँ पर तलत अजीज़ फिल्म के अंदर मिस्टर पथ का रोल प्ले करो यहाँ पर शरीफ हाशमी फिल्म के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले कर यहाँ पर बात करें आगे कास्ट की तो यहाँ पर संजीव जायसवाल फिल्म के अंदर मजीद खान का रोल प्ले करो यहाँ पर बवीन सिंह इस के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें उनका नाम होता है सुखी और यहाँ पर महेश शेट्टी फिल्म के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें वो भी उनका नाम होता है फिल्म के अंदर राजन उन्नी जो कि उन्नी आनीन जो कि उनका नाम होता है सीरत मस्द इसम के अंदर स्कॉडलीलर का रोल प्ले कर रहे हैं और इनका नाम होता है नाइना और यहाँ पर बात करें निशान खा खानूजू की तो फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं और यहाँ पर चंदन के आनंद इसम के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले करें उनका नाम हर्ष नोटी होता है और यहाँ पर मुश्ताक केकल के अंदर मकसूद अब्रार का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर विनो वर्मा इस फिल्म के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर हरीश कात्री इस फिल्म के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रोल प्ले करो यहाँ पर रोमन शेप फिल्म के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर चंद्रशेखर फिल्म के अंदर राव एजेंट जैर जरीना का रोल प्ले कर रही हैं और यहाँ पर सामविंदना इस फ़िल्म के अंदर भी रोल प्ले करती हुई दिखाई हैं बाशी की वाइफ का और यहाँ पर गीता सोदी फिल्म के अंदर मिस्टर मिसिस खान का रोल प्ले कर यहाँ पर और गुरमीत चावला इस फ़िल्म के अंदर जो कि चीफ ऑफ एयर द स्टाफ का रोल प्ले कर रही हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले कर रही है और ये सारी कास्ट वगैरह जो अपना अपना रोल प्ले करने के साथ साथ जो कि के अंदर देखने को मिली है कास्ट वगैरह भी ठीक ठाक है और यहाँ पर जो कि एक्टिंग के वाइस देखा जाए तो यहाँ पर एक्टिंग वाइज सारी की जो के देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी है और यहाँ पर जो के ख़ास एक्टिंग हमें देखने को मिली है ऋतिक रोशन की और यहाँ पर दीपिका की भी एक्टिंग ठीक है और यहाँ पर अनिल कपूर का भी सीन के अंदर काफ़ी अच्छा रोल देखने को मिला है तो यहाँ पर ये यह सारी कास्ट वगैरह थी जो अपना अपना रोल प्ले कर रही थी आपसे ओपिनियन देखा जाए तो आपने ओवरऑल मूवी देख रखी होगी तो देखा है तो आपको कौन सा सीन सबसे बेस्ट लगा और कौन सा सीन के साथ साथ आपको कौन किन एक्टर की सबसे अच्छी एक्टिंग लगी और यहाँ पर आपको ये फिल्म भी अच्छी लगी या नहीं वो भी आपने लफ कमेंट बॉक्स में जरूरी अपना ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ऐसी मूवी से रिलेटेड अपडेट्स रहने के लिए और यहाँ पर बता दूँ आपको ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी कहाँ पे देखने को मिल जाए मिलेगी और यहाँ पर आप जो तो कैसे सिम को ओ टी प्लेटफॉर्म पर और कौन सी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकती होती है ये फिल्म आपको ऑफिशियली कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके बारे ऊपर भी बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ सिम का फर्स्ट टीज़र आठ दिसंबर को टू में रिलीज़ करवाया गया था फिफ्टी जन टू में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन करके रिपब्लिक डे के पाओं का पर रिलीज़ करवाया करवाया गया ट्वेंटी फाइव जैन टू में और यहाँ पर रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज होने के बाद फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज़ मिले और यह फिल्म बॉक्स पर एक अच्छी खासी फिल्म चल गई लेकिन उतना इस फिल्म को नुकसान हो सकता था लेकिन फिर भी यह फिल्म चल गई और अपना बजट भी रिकवर कर गई तो यहाँ पर बात करें नेटफ्लिक्स की तो यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशली नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है ये कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हो चुकी है जी हाँ दोस्तों हिंदी में आप दूसरे फिल्म को ऑफिशियली वॉच कर सकती हैं और नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी हिंदी सब और इंग्लिश सब दोनों में तो आप इस फिल्म को जिस भी लैंग्वेज में देखना चाहो जिस भी सब में देखना चाहो तो वहां पर आप दोस्त देख सकते हो और साथ ही फिल्म को अगर आप ने ऑलरेडी देख रखा है तो आपने ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही आप दोस्तों को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कॉमेंट भी डिस्क्रिप्शन में कर देना और सॉरी uh, कम्स में कर देना और यहाँ पर वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ दोस्तों जो कि मूवी के बारे में 2024 में रिलीज की गई ऋतिक रोशन एंड दीपिका पैराकोट स्टारर फिल्म एंड अनिल कपूर स्टारर फिल्म फाइटर जो कि ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई इस फिल्म कोटिड प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में तो अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी फ़ाइटर मूवी को देखने के लिए आया है तो आप उसको बता दूँ इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको फाइटर मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर और ऑफिशियली कैसे देख सकते हो इस फिल्म को वो बताया जाएगा और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म कैसी है फिल्म का रिव्यू किया जाने वाला है जिससे आप जिसका टाइम थोड़ा सा बच सकते अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो जिसमें आपको इस वीडियो के अंदर इस फिल्म का रिव्यू भी देखने को मिलेगा साथ इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और साथ ही इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और यहाँ पर म्यूजिक डिपार्टमेंट और यहाँ पर डायरेक्शन के ऊपर ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फाइटर मूवी की तो फाइटर ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन एक थ्रिलर वाली फिल्म थी और इसको सेंसर की तरफ से दो घंटे चालीस मिनट का रनिंग टाइम और ड्यूरेशन दिया गया है और यहाँ पर इस फिल्म को जो रेटिंग मिली हुई है टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है वो भी जो कि गूगल के ऊपर और यहाँ पर इसको ट्वेंटी फाइव जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ करवाया गया था थिएटर में और ये एक जब थिएटर में रिलीज़ हुई थी तो इसको जो कि कुछ खास रिव्यूज़ भी नहीं मिले थे वो भी बात करते हैं सबसे पहले इस इनको जो रेटिंग वगैरह है न, टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है एटी सिक्स परसेंट लाइक भी मिले हुए हैं और यहाँ पर सीम को ड्रैक किया हुआ है सिद्धार्थ आरिया ने टू पॉइंट फाइव बिलियन से यार इंडियन रुपीज़ में फिल्म का जो बजट था यानी ढाई सौ करोड़ फिल्म का बजट था और फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी वाईकॉम एटीन स्टूडियोज और यहाँ पर स्टोरी फिल्म को जो कि लिखा था रोमन चेब ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद ने तो यहाँ पर सारा कुछ बात करते हैं एगेसन के बारे में तो फाइटर मूवी की बात करें तो यहाँ पर आप उसको बता दूँ फाइटर 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन जो कि हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा वाली फिल्म थी डायरेक्टर जो कि सिंको किया सिद्धार्थ आना बेस्ड जो कि स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर रोमांचि प्रोड्यूसर हैं फिल्म के और यहाँ पर जो स्टोरी बेस्ड है ना वो नाइन्टीज़ तो के ज़माने के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर गाजा के ऊपर यहाँ पर जो अटैक्स वगैरह है ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म थी तो उसके ऊपर भी बात करते हैं आगे डिटेल के साथ यहाँ पर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं वाईकॉम एटी स्टूडियोज़ और यहाँ पर मारफ्लिक्स पिक्चर्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पर डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आ ने स्टोरी को लिखा है रोमन चिप ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आरोन ने स्क्रीन प्ले रोमन चिप ने मिलकर जो कि लिखा है और यहाँ पर डैलाक्स को लिखा है हुसैन दलाल ने और यहाँ पर अब्बास दलाल और यहाँ पर बिस्वत सरकार ने और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं ममता आनंद और यहाँ पर अंजीत अंदारे अनकू पांडे और यहाँ पर रोमन चिप और यहाँ पर कैमन वेस और यहाँ पर बात करें सैनोडोग्राफी की थी तो यहाँ पर सचिन थे सचिन जो कि पॉलिस के सीमाडोग्राफर हैं आरिफ शेख सिंह के एडिटर हैं और यहाँ पर फिल्म को म्यूजिक दिया हुआ था सचिन बलहारे ने और यहाँ पर अंकित बल्हारे ने और यहाँ पर सॉन्ग्स वगैरह को म्यूजिक दिया विशाल शेखर ने और यहाँ पर प्रोडक्शन uh, कंपनी है वाईकम एटीन स्टूडियो मार्फ्लैक्स पिक्चर्स और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी uh, है वाईकम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर रिलीज़ी फिल्म की ट्वेंटी फाइव जो कि जैन टू है और फिल्म का रनिंग टाइम जो है सेंसर की तरफ से मिला हुआ वो है एक मिनट यानी दो घंटे जो कि छियालीस मिनट और यहाँ पर इस फिल्म को जो लैंग्वेज है ना वो हिंदी की है और फिल्म का बजट था ढाई सौ करोड़ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तीन सौ सैंतीस करोड़ का कलेक्शन किया और ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग लेने में भी, भी जो कि कामयाब हो चुकी है तो यहाँ पर बात करें स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ इस फिल्म को जो कि पहले ऑफिशियल रिलीज़ करवाया जाने वाला था थिएटर में तीस ट... सेप्टेम्बर टू में बाद में इस फिल्म को जो कि ट्वेंटी जनवरी टू में ऑफिशियल रिलीज़ करवा दिया गया रिपब्लिक डे के मौका पर और इस फिल्म को उस टाइम पर मिक्सड रिव्यूज़ मिले कुछ आज जो कि रिव्यूस ना मिलने की वजह से ये फिल्म जो कि बॉक्सेस पर ठीक ठाक है एवरेज जो कि बॉक्सेस पर कलेक्शन कर जाती है लेकिन उतना कलेक्शन नहीं करती जितना ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही थी और ऑडियंसेस इनको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी तो ये भी ठीक ठाक बजट है और इसमें ने काफ़ी अच्छा जो कि कलेक्शन किया हुआ है यहाँ पर बात करें फ़िल्म की स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के ऊपर जो कि टेरस्ट अटैक वगैरह होते हैं ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर प्लान वगैरह किया जाते हैं जो इंडिया के ऊपर टारगेट करके जो कि ट्रैक करके जो प्लान वगैरह किए गए होते हैं अटैक के उन्हीं के ऊपर बेस्ड की गई ये फिल्म है और यहाँ पर कौन कौन सी कास्ट हमें देखने को मिली है वो उसके ऊपर बात करें तो यहाँ पर ऋतिक रोशन जो कि इस फिल्म के अंदर स्क्वाडन लीडर का रोल प्ले करें जिनका नाम शमशेर होता है और यहाँ पर दीपिका पैडाओकोड स्क्वाडर जो कि यहाँ पर स्क्वाडन लीडर के रोल में प्ले कर रही हैं और यहाँ पर मिनल मिनी उनका नाम होता है और यहाँ पर अनिल कपूर भी हैं जो ग्रुप कैप्टन का रोल प्ले कर उनका नाम राकेश होता है और यहाँ पर करण सिंह ग्रोवर फिल्म के अंदर स्क्वाड लीडर का रोल प्ले कर यहाँ पर उनका नाम सरताज होता है और यहाँ पर जो कि अक्षय ओपराए फिल्म के अंदर स्कॉट लीडर रोल अंदर अंदर का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम इस फिल्म के अंदर बाशीर ख़ान होता है और यहाँ पर रिशभ सिनवे फिल्म के अंदर जो कि अजहर अख्तर का रोल प्ले कर यहाँ पर संजीदा शेख फिल्म के अंदर सांची गिल का रोल प्ले करी यहाँ पर अशुतो अश आतुश अशुतोष राणा जो फिल्म के अंदर नाम राठौड़ का रोल प्ले कर करें फ़िल्म के अंदर जो कि गेस्ट अपीरेंस में देखने को मिल जाते हैं गीता अग्रवाल इस फिल्म के अंदर उषा राठौर का रोल प्ले करी यहाँ पर तलत अजीज़ फिल्म के अंदर मिस्टर पथ का रोल प्ले करो यहाँ पर शरीफ हाशमी फिल्म के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले कर यहाँ पर बात करें आगे कास्ट की तो यहाँ पर संजीव जायसवाल फिल्म के अंदर मजीद खान का रोल प्ले करो यहाँ पर बवीन सिंह इस के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें उनका नाम होता है सुखी और यहाँ पर महेश शेट्टी फिल्म के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें वो भी उनका नाम होता है फिल्म के अंदर राजन उन्नी जो कि उन्नी आनीन जो कि उनका नाम होता है सीरत मस्द इसम के अंदर स्कॉडलीलर का रोल प्ले कर रहे हैं और इनका नाम होता है नाइना और यहाँ पर बात करें निशान खा खानूजू की तो फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं और यहाँ पर चंदन के आनत स्ल के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले करें उनका नाम हर्ष नोटी होता है और यहाँ पर मुश्ताक केक के अंदर मकसूद अबरार का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर विनयो वर्मा इस फिल्म के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर हरीश कातरी इस फिल्म के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर रोमन शेप फिल्म के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर चंद्रशेखर सिम के अंदर राव एजेंट जैर जरीना का रोल प्ले कर रही हैं और यहाँ पर सामविंदना इस फ़िल्म के अंदर भी रोल प्ले करती हुई दिखाई हैं बाशी की वाइफ का और यहाँ पर गीता सोदी फिल्म के अंदर मिस्टर मिसिस खान का रोल प्ले कर यहाँ पर और गुरमीत चावला इस फ़िल्म के अंदर जो कि चीफ ऑफ एयर द स्टाफ का रोल प्ले कर रही हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले कर रही है और ये सारी कास्ट वगैरह जो अपना अपना रोल प्ले करने के साथ साथ जो कि के अंदर देखने को मिली है कास्ट वगैरह भी ठीक ठाक है और यहाँ पर जो कि एक्टिंग के वाइज देखा जाए तो यहाँ पर एक्टिंग वाइज सारी की जो के देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी है और यहाँ पर जो के ख़ास एक्टिंग हमें देखने को मिली है ऋतिक रोशन की और यहाँ पर दीपिका की भी एक्टिंग ठीक है और यहाँ पर अनिल कपूर का भी सीन के अंदर काफ़ी अच्छा रोल देखने को मिला है तो यहाँ पर ये यह सारी कास्ट वगैरह थी जो अपना अपना रोल प्ले कर रही थी आपसे ओपिनियन देखा जाए तो आपने ओवरऑल मूवी देख रखी होगी तो देखा है तो आपको कौन सा सीन सबसे बेस्ट लगा और कौन सा सीन के साथ साथ आपको कौन किन एक्टर की सबसे अच्छी एक्टिंग लगी और यहाँ पर आपको ये फिल्म भी अच्छी लगी या नहीं वो भी आपने लफ कमेंट बॉक्स में जरूरी अपना ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ऐसी मूवी से रिलेटेड अपडेट्स रहने के लिए और यहाँ पर बता दूँ आप उसको ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी कहाँ पे देखने को मिल जाए मिलेगी और यहाँ पर आप जो तो कैसे सिम को ओ टी प्लेटफॉर्म पर और कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकती होती है ये फिल्म आपको ऑफिशियली कहाँ पे देखने को मिलेगी उसके बारे ऊपर भी बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ सिम का फर्स्ट टीज़र आठ दिसंबर को टू में रिलीज़ करवाया गया था फिफ्टी जन टू में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन करके रिपब्लिक डे के पौक पर रिलीज़ करवाया गया ट्वेंटी फाइव जन टू में और हाँ पर रिपब्बलिक डे के मौके पर रिलीज होने के बाद इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिले और यह फिल्म बॉक्स पर एक अच्छी खासी फिल्म चल गई लेकिन उतना इस फिल्म को नुकसान हो सकता था लेकिन फिर भी यह फिल्म चल गई और अपना बजट भी रिकवर कर गई तो यहाँ पर बात करें नेटफ्लिक्स की तो यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशली नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है ये कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हो चुकी है जी हाँ दोस्तों हिंदी में आप दूसरे फिल्म आप को ऑफिशियली वॉच कर सकते हो और नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी हिंदी सब और इंग्लिश सब दोनों में तो आप दूसरी फिल्म को जिस भी लैंग्वेज में देखना चाहो जिस भी सब में देखना चाहो तो वहाँ पर आप दोस्त देख सकते हो और साथ ही इस फिल्म को अगर आप आपने ऑलरेडी देख रखा है तो आपने लाजमी कन्बॉक्स में ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही आप दोस्तों ऋतिक रोशन के डाई हार्ट फैन

जो कि ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई इस फिल्म कोटिड प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में तो अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी फ़ाइटर मूवी को देखने के लिए आया है तो आप उसको बता दूँ इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको फाइटर मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर और ऑफिशियली कैसे देख सकते हो इस फिल्म को वो बताया जाएगा और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म कैसी है फिल्म का रिव्यू किया जाने वाला है जिससे आप जिसका टाइम थोड़ा सा बच सकते अगर आप जो इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो जिसमें आप आपको इस वीडियो के अंदर इस फिल्म का रिव्यू भी देखने को मिलेगा साथ इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और साथ ही इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और यहाँ पर म्यूजिक डिपार्टमेंट और यहाँ पर डायरेक्शन के ऊपर ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फाइटर मूवी की तो फाइटर ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी और इसको सेंसर की तरफ से दो घंटे चालीस मिनट का रनिंग टाइम और ड्यूरेशन दिया गया है और यहाँ पर इस फिल्म को जो रेटिंग मिली हुई है टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है वो भी जो कि गूगल के ऊपर और यहाँ पर इसको ट्वेंटी फाइव जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ करवाया गया था थिएटर में और ये एक जब थिएटर में रिलीज़ हुई थी तो इसको जो कि कुछ खास रिव्यूज़ भी नहीं मिले थे वो भी बात करते हैं सबसे पहले इस इनको जो रेटिंग वगैरह है न, टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है एटी सिक्स परसेंट लाइक भी मिले हुए हैं और यहाँ पर सिम को ड्रैक किया हुआ है सिद्धार्थ आरिया ने टू पॉइंट फाइव बिलियन से, से यार इंडियन रुपीज़ में फिल्म का जो बजट था यानी ढाई सौ करोड़ फिल्म का बजट था और फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी बाईकॉम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर स्टोरी फिल्म को जो कि लिखा था रोमन चेब ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद ने तो यहाँ पर सारा कुछ बात करते हैं एगेसन के बारे में तो फाइटर मूवी की बात करें तो यहाँ पर आप उसको बता दूँ फाइटर 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन जो कि हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा वाली फिल्म थी डायरेक्ट जो कि सिम को रखिए व सिद्धार्थ आना बेस्ड जो कि स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर रोमांचिव प्रोड्यूसर हैं फिल्म के और यहाँ पर जो स्टोरी बेस्ड है ना वो नाइन्टीज़ तो के ज़माने के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर गाजा के ऊपर यहाँ पर जो अटैक्स वगैरह है ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म थी तो उसके ऊपर भी बात करते हैं आगे डिटेल के साथ यहाँ पर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं वाईकॉम एटी स्टूडियोज़ और यहाँ पर मारफ्लिक्स पिक्चर्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पर डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने स्टोरी को लिखा है रोमन चिप ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आरोन ने स्क्रीन प्ले रोमन चिप ने मिलकर जो कि लिखा है और यहाँ पर डैलाक्स को लिखा है हुसैन दलाल ने और यहाँ पर अब्बास दलाल और यहाँ पर बिस्वत सरकार ने और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं ममता आनंद और यहाँ पर अंजीत अंदारे अंकु पांडे और यहाँ पर रोमन चिप और यहाँ पर कैमन वेस और यहाँ पर बात करें सैनोडोग्राफी की थी तो यहाँ पर सच थे सचिन जो के पॉलिस सिन्म के सीमाडोग्राफर हैं आरिफ शेख का है। इस के एडिटर हैं और यहाँ पर फिल्म को म्यूजिक दिया हुआ था सचिन बलहारे ने और यहाँ पर अंकित बल्हारे ने और यहाँ पर सॉन्ग्स वगैरह को म्यूजिक दिया विशाल शेखर ने और यहाँ पर प्रोडक्शन uh, कंपनी है वाईकम एटीन स्टूडियो मार्फ्लिक्स पिक्चर्स और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी uh, है वाईकम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर रिलीज इस फिल्म की ट्वेंटी फाइव जो कि जैन टू है और फिल्म का रनिंग टाइम जो है सेंसर की तरफ से मिला हुआ वो है एक मिनट यानी दो घंटे जो कि छियालीस मिनट और यहाँ पर इस फिल्म को जो लैंग्वेज है ना वो हिंदी की है और फिल्म का बजट था ढाई सौ करोड़ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तीन सौ सैंतीस करोड़ का कलेक्शन किया और ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग लेने में भी, भी जो कि कामयाब हो चुकी है तो यहाँ पर बात करें स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ इस फिल्म को जो कि पहले ऑफिशियल रिलीज़ करवाया जाने वाला था थिएटर में तीस सेप्टेम्बर टू में बाद में इस फिल्म को जो कि ट्वेंटी जनवरी टू में ऑफिशियल रिलीज़ करवा टूथा दिया गया रिपब्लिक डे के मौका पर और इस फिल्म को उस टाइम पर मिक्सड रिव्यूज़ मिले कुछ पास जो कि रिव्यूस ना मिलने की वजह से ये फिल्म जो कि बॉक्सेस पर ठीक ठाक है एवरेज जो कि बॉक्सेस पर कलेक्शन कर जाती है लेकिन उतना कलेक्शन नहीं करती जितना ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही थी और ऑडियंसेस इनको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी तो ये भी ठीक ठाक बजट है और इसमें ने काफ़ी अच्छा जो कि कलेक्शन किया हुआ है यहाँ पर बात करें फिल्म की स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के ऊपर जो कि टेरिस्ट अटैक वगैरह होते हैं ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर प्लान वगैरह किए जाते हैं जो इंडिया के ऊपर टारगेट करके जो कि <coughs> ट्रैक के कट के जो प्लान वगैरह किए गए होते हैं अटैक के उन्हीं के ऊपर बेस्ड की गई ये फिल्म है और यहाँ पर कौन कौन सी कास्ट हमें देखने को मिली है वो उसके ऊपर बात करें तो यहाँ पर ऋतिक रोशन जो कि इस फ़िल्म के अंदर स्क्वाडन लीडर का रोल प्ले करें जिनका नाम शमशेर होता है और यहाँ पर दीपिका पैडाउकोड स्क् स्क्वाडर जो कि यहाँ पर स्क्वाडन लीडर के रोल में प्ले कर रही हैं और यहाँ पर मिनल मिनी उनका नाम होता है और यहाँ पर अनिल कपूर भी हैं जो ग्रुप कैप्टन का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम राकेश होता है और यहाँ पर करण सिंह ग्रोवर सिम के अंदर स्कॉर्ड लीडर का रोल प्ले करो यहां पर उनका नाम सरताज होता है और यहाँ पर जो कि अक्षय ओपराए फिल्म के अंदर स्कॉड लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम इस फिल्म के अंदर बाशीर ख़ान होता है और यहाँ पर रिशभ सिनवे फिल्म के अंदर जो कि अजहर अख्तर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर संजीदा शेख फिल्म के अंदर सांची गिल का रोल प्ले करी यहाँ पर अशुतो अश आतुश अशुतोष राणा जो फिल्म के अंदर ना अभिचेज राठौर का रोल प्ले कर रहे करें फ़िल्म के अंदर जो कि गेस्ट अपीरेंस में देखने को मिल जाते हैं गीता अग्रवाल इस फिल्म के अंदर उषा राठौर का रोल प्ले करी यहाँ पर तलत अजीज़ फिल्म के अंदर मिस्टर पथ का रोल प्ले करो यहाँ पर शरीफ हाशमी फिल्म के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले कर यहाँ पर बात करें आगे कास्ट की तो यहाँ पर संजीव जायसवाल फिल्म के अंदर मजीद खान का रोल प्ले करो यहाँ पर बवीन सिंह इस के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें उनका नाम होता है सुखी और यहाँ पर महेश शेट्टी फिल्म के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें वो भी उनका नाम होता है फिल्म के अंदर राजन उन्नी जो कि उन्नी आनीन जो कि उनका नाम होता है सीरत मस्द इसम के अंदर स्कॉडलीलर का रोल प्ले कर रहे हैं और इनका नाम होता है नाइना और यहाँ पर बात करें निशान खा खानूजू की तो फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं और यहाँ पर चंदन के आनंद स्ल के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले करें उनका नाम हर्ष नोटी होता है और यहाँ पर मुश्ताक केकल के अंदर मकसूद अब्रार का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर विनो वर्मा इस फिल्म के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर हरीश कात्री इस फिल्म के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रोल प्ले करो यहाँ पर रोमन शेप इस फिल्म के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर चंद्रशेखर फिल्म के अंदर राव एजेंट जैर जरीना का रोल प्ले कर रही हैं और यहाँ पर सामविंदना इस फ़िल्म के अंदर भी रोल प्ले करती हुई दिखाई हैं बाशी की वाइफ का और यहाँ पर गीता सोदी फिल्म के अंदर मिस्टर मिसिस खान का रोल प्ले कर यहाँ पर और गुरमीत चावला इस फ़िल्म के अंदर जो कि चीफ ऑफ एयर द स्टाफ का रोल प्ले कर रही हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले कर रही है और ये सारी कास्ट वगैरह जो अपना अपना रोल प्ले करने के साथ साथ जो कि के अंदर देखने को मिली है कास्ट वगैरह भी ठीक ठाक है और यहाँ पर जो कि एक्टिंग के वाइज देखा जाए तो यहाँ पर एक्टिंग वाइज सारी की जो कि देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी है और यहाँ पर जो कि ख़ास एक्टिंग हमें देखने को मिली है ऋतिक रोशन की और यहाँ पर दीपिका की भी एक्टिंग ठीक है और यहाँ पर अनिल कपूर का भी सीन के अंदर काफ़ी अच्छा रोल देखने को मिला है तो यहाँ पर ये यह सारी कास्ट वगैरह थी जो अपना अपना रोल प्ले कर रही थी आपसे ओपिनियन देखा जाए तो आपने ओवरऑल मूवी देख रखी होगी तो देखा है तो आपको कौन सा सीन सबसे बेस्ट लगा और कौन सा सीन के साथ साथ आपको कौन किन एक्टर की सबसे अच्छी एक्टिंग लगी और यहाँ पर आपको ये फिल्म भी अच्छी लगी या नहीं वो भी आपने लगभग कमेंट बॉक्स में जरूरी अपना ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ऐसी मूवी से रिलेटेड अपडेट्स रहने के लिए और यहाँ पर बता दूँ आपको ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी कहाँ पर देखने को मिल जाएगी मिलेगी और यहाँ पर आप दो कैसे सिम को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकती होती है ये फिल्म आपको ऑफिशियली कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके बड़े ऊपर भी बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बता दो सिन का फर्स्ट टीजर आठ दिसंबर को टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में रिलीज़ करवाया गया था फिफ्टी जन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन करके रिपब्लिक डे के मौका पर रिलीज़ करवाया करवाया गया ट्वेंटी फाइव जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में और यहाँ पर रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज़ होने के बाद इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज़ मिले और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी खासी फिल्म चल गई लेकिन उतना इस फिल्म को नुकसान हो सकता था लेकिन फिर भी यह फ़िल्म चल गई और अपना बजट भी रिकवर कर गई तो यहाँ पर बात करें नेटफ्लिक्स की तो यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशली नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है ये कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हो चुकी है जी हाँ दोस्तों हिंदी में आप दूसरे फिल्म को ऑफिशली वॉच कर सकते हो और नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी हिंदी सब और इंग्लिश सब दोनों में तो आप दूसरी फिल्म को जिस भी लैंग्वेज में देखना चाहो जिस भी सब में देखना चाहो तो वहाँ पर आप दोस्त देख सकते हो और साथ ही इस फिल्म को अगर आपने ऑलरेडी देख रखा है तो आपने लाजमी कन्बॉक्स में ओपिनियन बताना है वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही आप दोस्तों ऋतिक रोशन के डाई हार्ट फैन

जो कि ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई इस फिल्म कोटिड प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में तो अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी फ़ाइटर मूवी को देखने के लिए आया है तो आप उसको बता दूँ इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको फाइटर मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर और ऑफिशियली कैसे देख सकते हो इस फिल्म को वो बताया जाएगा और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म कैसी है फिल्म का रिव्यू किया जाने वाला है जिससे आप जिसका टाइम थोड़ा सा बच सकते अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो जिसमें आप आपको इस वीडियो के अंदर इस फिल्म का रिव्यू भी देखने को मिलेगा साथ इस फिल्म के नॉन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और साथ ही इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन और प्रॉक्सिस कलेक्शन और यहां पर म्यूजिक डिपार्टमेंट और यहां पर डायरेक्शन के ऊपर ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर आपस ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फाइटर मूवी की तो फाइटर ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन एक थ्रिलर वाली फिल्म थी और इसको सेंसर की तरफ से दो घंटे चालीस मिनट का रनिंग टाइम और ड्यूरेशन दिया गया है और यहाँ पर इस फिल्म को जो रेटिंग मिली हुई है टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है हु� वो भी जो कि गूगल के ऊपर और यहाँ पर इसको ट्वेंटी फाइव जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ करवाया गया था थिएटर में और ये एक जब थिएटर में रिलीज़ हुई थी तो इसको जो कि कुछ खास रिव्यूज़ भी नहीं मिले थे वो भी बात करते हैं सबसे पहले इस इनको जो रेटिंग वगैरह है न, टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है एटी सिक्स परसेंट लाइक भी मिले हुए हैं और यहाँ पर सीम को ड्रैक किया हुआ है सिद्धार्थ आरिया ने टू पॉइंट फाइव बिलियन से यार इंडियन रुपीज़ में फिल्म का जो बजट था यानी ढाई सौ करोड़ फिल्म का बजट था और फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी वाइकॉम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर स्टोरी फिल्म को जो कि लिखा था रोमन चेब ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद ने तो यहाँ पर सारा कुछ बात करते हैं एगेसन के बारे में तो फाइटर मूवी की बात करें तो यहाँ पर आप उसको बता दूँ फाइटर 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन जो कि हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा वाली फिल्म थी डायरेक्ट जो कि सिम को रखा सिद्धार्थ आना बेस्ड जो कि स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर रोमांचिव प्रोड्यूसर हैं फिल्म के और यहाँ पर जो स्टोरी बेस्ड है ना वो नाइन्टीज़ तो के ज़माने के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर गाजा के ऊपर यहाँ पर जो अटैक्स वगैरह है ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म थी तो उसके ऊपर भी बात करते हैं आगे डिटेल के साथ यहाँ पर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं वाईकम एटी स्टूडियोज़ और यहाँ पर मारफ्लिक्स पिक्चर्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पर डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने स्टोरी को लिखा है रोमन चिप ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आरोन ने स्क्रीन प्ले रोमन चिप ने मिलकर जो कि लिखा है और यहाँ पर डैलाक्स को लिखा है हुसैन दलाल ने और यहाँ पर अब्बास दलाल और यहाँ पर बिस्वत सरकार ने और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं ममता आनंद और यहाँ पर अंजीत अंदारे अंकु पांडे और यहाँ पर रोमन चिप और यहाँ पर कैन वेस और यहाँ पर बात करें सैनोडोग्राफी की थी तो यहाँ पर सच थे सचिन जो के पॉलिस सिन्म के सीमाडोग्राफर हैं आरिफ शेख के है। इस के एडिटर हैं और यहाँ पर फिल्म को म्यूजिक दिया हुआ था सचिन बलहारे ने और यहाँ पर अंकित बल्हारे ने और यहाँ पर सॉन्ग्स वगैरह को म्यूजिक दिया विशाल शेखर ने और यहाँ पर प्रोडक्शन uh, कंपनी है वाईकम एटीन स्टूडियो मार्फ्लैक्स पिक्चर्स और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वाईकम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर रिलीज इस फिल्म की ट्वेंटी फाइव जो कि जैन टू है और फिल्म का रनिंग टाइम जो है सेंसर की तरफ से मिला हुआ वो है एक मिनट यानी दो घंटे जो कि छियालीस मिनट और यहाँ पर इस फिल्म को जो लैंग्वेज है ना वो हिंदी की है और फिल्म का बजट था ढाई सौ करोड़ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तीन सौ सैंतीस करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग लेने में भी, भी जो कि कामयाब हो चुकी है तो यहाँ पर बात करें स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ इस फिल्म को जो कि पहले ऑफिशियल रिलीज़ करवाया जाने वाला था थिएटर में तीस ट... सेप्टेम्बर टू में बाद में इस फिल्म को जो कि ट्वेंटी जनवरी टू में ऑफिशियल रिलीज़ करवा टूथा दिया गया रिपब्लिक डे के मौका पर और इस फिल्म को उस टाइम पर मिक्सड रिव्यूज़ मिले कुछ पास जो कि रिव्यूस ना मिलने की वजह से ये फिल्म जो कि बॉक्सेस पर ठीक ठाक है एवरेज जो कि बॉक्सेस पर कलेक्शन कर जाती है लेकिन उतना कलेक्शन नहीं करती जितना ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही थी और ऑडियंसेस इनको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी तो ये भी ठीक ठाक बजट है और इसमें ने काफ़ी अच्छा जो कि कलेक्शन किया हुआ है यहाँ पर बात करें फिल्म की स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के ऊपर जो कि टेरिस्ट टे, अटैक टे, वगैरह होते हैं ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर प्लान वगैरह किया जाते हैं जो इंडिया के ऊपर टारगेट करके जो कि ट्रैक के कट के जो प्लान वगैरह तो किए गए होते हैं अटैक के उन्हीं के ऊपर बेस्ड की गई ये फिल्म है और यहाँ पर कौन कौन सी कास्ट हमें देखने को मिली है वो उसके ऊपर बात करें तो यहाँ पर ऋतिक रोशन जो कि इस फिल्म के अंदर स्क्वाडन लीडर का रोल प्ले करें जिनका नाम शमशेर होता है और यहाँ पर दीपिका पैडाउकोड स्क् स्क्वाडर जो कि यहाँ पर स्क्वाडन लीडर के रोल में प्ले कर रही हैं और यहाँ पर मिनल मिनी उनका नाम होता है और यहाँ पर अनिल कपूर भी हैं जो ग्रुप कैप्टन का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम राकेश होता है और यहाँ पर करण सिंह ग्रोवर सि के अंदर स्कॉर्ड लीडर का रोल प्ले करो यहां पर उनका नाम सरताज होता है और यहाँ पर जो कि अक्षय ओपराए फिल्म के अंदर स्कॉड लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम इस फिल्म के अंदर बाशीर ख़ान होता है और यहाँ पर ऋषभ सिनवे फिल्म के अंदर जो कि अजहर अख्तर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर संजीदा शेख फिल्म के अंदर सांची गिल का रोल प्ले कर यहाँ पर अशुतो अश आतुश अशुतोष राणा जो फिल्म के अंदर नाम राठौड़ का रोल प्ले कर फिल्म के अंदर जो कि गेस्ट अपीरेंस में देखने को मिल जाते हैं गीता अग्रवाल फिल्म के अंदर उषा राठौर का रोल प्ले कर पर तलत अजीज़ फिल्म के अंदर मिस्टर पत थानिया का रोल प्ले करे यहाँ पर शरीफ हाशमी फिल्म के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले कर यहाँ पर बात करें आगे कास्ट की तो यहाँ पर संजीव जायसवाल इसम के अंदर मजीद खान का रोल प्ले कर यहाँ पर बवीन सिंह इसम के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम होता है सुखी और यहाँ पर महेश शेट्टी फिल्म के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें वो भी उनका नाम होता है फिल्म के अंदर राजन उन्नी जो कि उन्नी आनीन जो कि उनका नाम होता है सीरत मस्द इसम के अंदर स्कॉडलीलर का रोल प्ले कर रहे हैं और इनका नाम होता है नायना और यहाँ पर बात करें निशान खा खानूजू की तो वो फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं और यहाँ पर चंदन के आनंद स्ल के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले करें उनका नाम हर्ष नोटी होता है और यहाँ पर मुश्ताक केक के अंदर मकसूद अबरार का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर विनय वर्मा इस फिल्म के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर हरीश कातरी के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर रोमन शेप फ के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर चंद्रशेखर शेखर के अंदर राव एजेंट जैर जरीना का रोल प्ले कर रही हैं और यहाँ पर सामविंदना इस फ़िल्म के अंदर भी रोल प्ले करती हुई दिखाई हैं बाशी की वाइफ का और यहाँ पर गीता सोदी फिल्म के अंदर मिस्टर मिसिस खान का रोल प्ले कर यहाँ पर और गुरमीत चावला इस फ़िल्म के अंदर जो कि चीफ ऑफ एयर द स्टाफ का रोल प्ले कर रही हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले कर रही है और ये सारी कास्ट वगैरह जो अपना अपना रोल प्ले करने के साथ साथ जो कि के अंदर देखने को मिली है कास्ट वगैरह भी ठीक ठाक है और यहाँ पर जो कि एक्टिंग के वाइज से देखा जाए तो यहाँ पर एक्टिंग वाइज सारी की जो कि देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी है और यहाँ पर जो कि ख़ास एक्टिंग हमें देखने को मिली है ऋतिक रोशन की और यहाँ पर दीपिका की भी एक्टिंग ठीक है और यहाँ पर अनिल कपूर का भी सीन के अंदर काफ़ी अच्छा रोल देखने को मिला है तो यहाँ पर ये यह सारी कास्ट वग़ैरह थी जो अपना अपना रोल प्ले कर रही थी आपसे ओपिनियन देखा जाए तो आपने ओवरऑल कौन मूवी देख रखी होगी तो देखा है तो आपको कौन सा सीन सबसे बेस्ट लगा और कौन सा सीन के साथ साथ आपको कौन किन एक्टर की सबसे अच्छी एक्टिंग लगी और यहाँ पर आपको ये फिल्म भी अच्छी लगी या नहीं वो भी आपने लब कमेंट बॉक्स में जरूरी अपना ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ऐसी मूवी से रिलेटेड अपडेट्स रहने के लिए और यहाँ पर बता दूँ आपको ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी कहाँ पर देखने को मिल जाए मिलेगी और यहाँ पर आप जो तो कैसे सिम को ओ टी पर और कौन से ओ टी पर देख सकती होती है ये फिल्म आपको ऑफिशली कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके बारे ऊपर भी बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ सिम का फर्स्ट टीज़र आठ दिसंबर को 2023 में रिलीज़ करवाया गया था फिफ्टी जन 2024 में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन करके रिपब्लिक डे के पाओं पर रिलीज़ करवाया करवाया गया ट्वेंटी फाइव जैन टू में और यहाँ पर रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज़ होने के बाद इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज़ मिले और यह फिल्म बॉक्स पर एक अच्छी खासी फिल्म चल गई लेकिन उतना इस फिल्म को नुकसान हो सकता था लेकिन फिर भी ये फ़िल्म चल गई और अपना बजट भी रिकवर कर गई तो यहाँ पर बात करें नेटफ्लिक्स की तो यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है ये हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हो चुकी है जी हाँ दोस्तों हिंदी में आप दूसरी फिल्म को ऑफिशियली वॉच कर सकते हो नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी हिंदी सब और इंग्लिश सब दोनों में तो आप दूसरी फिल्म को जिस भी लैंग्वेज में देखना चाहो जिस भी सब में देखना चाहो तो वहाँ पर आप दोस्त देख सकते हो और साथ ही इस फिल्म को अगर आपने ऑलरेडी देख रखा है तो आपने लाजमी कम बॉस में ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही आप दोस्तों ऋतिक रोशन के डाई हार्ट फैन हो तो लाजमी वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी डिस्क्रिप्शन में कर देना और सॉरी कम डॉस में कर देना और यहां पर वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं दोस्तों जो कि फाइटर मूवी के बारे में 2024 में रिलीज की गई ऋतिक रोशन एंड दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म एंड अनिल कपूर स्टारर फिल्म फाइटर जो कि ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई इस फिल्म कोटिड प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में तो अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी फाइटर मूवी को देखने के आया हैं तो आप उसको बता दूँ इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको फाइटर मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर और ऑफिशियली कैसे देख सकते हो इस फिल्म को वो बताया जाएगा और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म कैसी है फिल्म का रिव्यू किया जाने वाला है जिससे आप जिसका टाइम थोड़ा सा बच सकते अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो जिसमें आप आपको इस वीडियो के अंदर इस फिल्म का रिव्यू भी देखने को मिलेगा साथ इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और साथ ही इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और यहाँ पर म्यूजिक डिपार्टमेंट और यहाँ पर डायरेक्शन के ऊपर ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फाइटर मूवी की तो फाइटर ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन एक थ्रिलर वाली फ़िल्म थी और इसको सेंसर की तरफ से दो घंटे चालीस मिनट का रनिंग टाइम और ड्यूरेशन दिया गया है और यहाँ पर इस फिल्म को जो रेटिंग मिली हुई है टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है वो भी जो कि गूगल के ऊपर और यहाँ पर इसको ट्वेंटी फाइव जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ करवाया गया था थिएटर में और ये एक जब थिएटर में रिलीज़ हुई थी तो इसको जो कि कुछ खास रिव्यूज़ भी नहीं मिले थे वो भी बात करते हैं सबसे पहले इस इनको जो रेटिंग वगैरह है न, टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है एटी सिक्स परसेंट लाइक भी मिले हुए हैं और यहाँ पर इस सोरेक किया हुआ है सिद्धार्थ आर्या ने टू पॉइंट फाइव बिलियन से यार इंडियन रुपीज़ में फिल्म का जो बजट था यानी ढाई सौ करोड़ फिल्म का बजट था और फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी वाईकॉम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर स्टोरी फिल्म को जो कि लिखा था रोमन चेब ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद ने तो यहाँ पर सारा कुछ बात करते हैं आगे के बारे में तो फाइटर मूवी की बात करें तो यहाँ पर आप उसको बता दूँ फाइटर 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन जो कि हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा वाली फिल्म थी डायरेक्ट जो कि सिम को रिया सिद्धार्थ आना बेस्ड जो कि स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर रोमांचिव प्रोड्यूसर हैं फिल्म के और यहाँ पर जो स्टोरी बेस्ड है ना वो नाइन्टीज़ तो के ज़माने के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर गाजा के ऊपर यहाँ पर जो अटैक्स वगैरह है ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म थी तो उसके ऊपर भी बात करते हैं आगे डिटेल के साथ यहाँ पर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं वाईकम एटी स्टूडियोज़ और यहाँ पर मारफ्लिक्स पिक्चर्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पर डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने स्टोरी को लिखा है रोमन चिप ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आरोन ने स्क्रीन प्ले रोमन चिप ने मिलकर जो कि लिखा है और यहाँ पर डैलाक्स को लिखा है हुसैन दलाल ने और यहाँ पर अब्बास दलाल और यहाँ पर बिस्वत सरकार ने और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं ममता आनंद और यहाँ पर अंजीत अंदारे अंकु पांडे और यहाँ पर रोमन चिप और यहाँ पर कैमन वेस और यहाँ पर बात करें सैनोडोग्राफी की थी तो यहाँ पर सचिथ थे सचिन जो के पॉलिस सिन्म के सीमाडोग्राफर हैं आरिफ शेख इस के एडिटर हैं और यहाँ पर फिल्म को म्यूजिक दिया हुआ था सचिन बलहारे ने और यहाँ पर अंकित बल्हारे ने और यहाँ पर सॉन्ग्स वगैरह को म्यूजिक दिया विशाल शेखर ने और यहाँ पर प्रोडक्शन uh, कंपनी है वाईकॉम एटीन स्टूडियो मार्फ्लिक्स पिक्चर्स और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वाईकॉम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर रिलीज इस फिल्म की ट्वेंटी फाइव जो कि जैन टू है और फिल्म का रनिंग टाइम जो है सेंसर की तरफ से मिला हुआ वो है एक मिनट यानी दो घंटे जो कि छियालीस मिनट और यहाँ पर इस फिल्म को जो लैंग्वेज है ना वो हिंदी की है और फिल्म का बजट था ढाई सौ करोड़ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तीन सौ सैंतीस करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग लेने में भी, भी जो कि कामयाब हो चुकी है तो यहाँ पर बात करें स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ इस फिल्म को जो कि पहले ऑफिशियल रिलीज़ करवाया जाने वाला था थिएटर में तीस सेप्टेम्बर टू में बाद में इस फिल्म को जो कि 25 जनवरी 2024 में ऑफिशियल रिलीज़ करवा दिया गया रिपब्लिक डे के मौका पर और इस फिल्म को उस टाइम पे मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले कुछ खास जो कि रिव्यूज़ ना मिलने की वजह से ये फिल्म जो कि बॉक्सेस पर ठीक ठाक है एवरेज जो कि बॉक्सेस पर कलेक्शन कर, कर, कर जाती है लेकिन उतना कलेक्शन नहीं करती जितना ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही थी और ऑडियंस फिल्म को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी तो ये भी ठीक ठाक बजट है और इसम ने काफ़ी अच्छा जो कि कलेक्शन किया हुआ है यहाँ पर बात करें फ़िल्म की स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के ऊपर जो कि टेरिस्ट अटैक वगैरह होते हैं ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर प्लान वगैरह किया जाते हैं जो इंडिया के ऊपर टारगेट करके जो कि ट्रैक के कट के जो प्लान वगैरह किए गए होते हैं अटैक के उन्हीं के ऊपर बेस्ड की गई ये फिल्म है और यहाँ पर कौन कौन सी कास्ट हमें देखने को मिली है वो उसके ऊपर बात करें तो यहाँ पर ऋतिक रोशन जो कि इस फिल्म के अंदर स्क्वाडन लीडर का रोल प्ले करें जिनका नाम शमशेर होता है और यहाँ पर दीपिका पैडाउकोड स्क् स्क्वाडर जो कि यहाँ पर स्क्वाडन लीडर के रोल में प्ले कर रही हैं और यहाँ पर मिनल मिनी उनका नाम होता है और यहाँ पर अनिल कपूर भी हैं जो ग्रुप कैप्टन का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम राकेश होता है और यहाँ पर करण सिंह ग्रोवर फिल्म के अंदर स्कॉल लीडर का रोल प्ले करो यहां पर उनका नाम सरताज होता है और यहाँ पर जो कि अक्षय ओपराए फिल्म के अंदर स्कॉड लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम इस फिल्म के अंदर बाशीर ख़ान होता है और यहाँ पर रिशभ सिनवे फिल्म के अंदर जो कि अजहर अख्तर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर संजीदा शेख फिल्म के अंदर सांची गिल का रोल प्ले करी यहाँ पर अशुतो अश आतुश अशुतोष राना जो फिल्म के अंदर ना अभिचेज राठौर का रोल प्ले कर करें फिल्म के अंदर जो कि गेस्ट अपीरेंस में देखने को मिल जाते हैं गीता अग्रवाल फिल्म के अंदर उषा राठौर का रोल प्ले कर और यहाँ पर तलत अज़ीज़ फिल्म के अंदर मिस्टर पथ का रोल प्ले करो यहाँ पर शरीफ हाशमी इस फिल्म के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले कर यहाँ पर बात करें आगे कास्ट की तो यहाँ पर संजीव जयसवाल फिल्म के अंदर मजीद खान का रोल प्ले कर यहाँ पर बवीन सिंह इस फिल्म के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें उनका नाम होता है सुखी और यहाँ पर महेश शेट्टी फिल्म के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें वो भी उनका नाम होता है फिल्म के अंदर राजन उन्नी जो कि उन्नी आनीन जो कि उनका नाम होता है सीरत मस्द इसम के अंदर स्कॉडिलर का रोल प्ले कर रहे हैं और इनका नाम होता है नायना और यहाँ पर बात करें निशान खा खानूजू की तो फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं और यहाँ पर चंदन के आनंद इसम के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले करें उनका नाम हर्ष नोटी होता है और यहाँ पर मुश्ताक केकल के अंदर मकसूद अब्रार का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर विनो वर्मा इस फिल्म के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर हरीश कात्री इस फिल्म के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रोल प्ले कर यहाँ पर रोमन शेप इस फिल्म के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर चंद्रशेखर फिल्म के अंदर राव एजेंट जैर जरीना का रोल प्ले कर रही हैं और यहाँ पर सामविंदना इस फ़िल्म के अंदर भी रोल प्ले करती हुई दिखाई हैं बाशी की वाइफ का और यहाँ पर गीता सोदी फ़िल्म के अंदर मिस्टर मिसिस खान का रोल प्ले कर यहाँ पर और गुरमीत चावला इस फ़िल्म के अंदर जो कि चीफ ऑफ एयर द स्टाफ का रोल प्ले कर रही हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले कर रही है और ये सारी कास्ट वगैरह जो अपना अपना रोल प्ले करने के साथ साथ जो कि के अंदर देखने को मिली है कास्ट वगैरह भी ठीक ठाक है और यहाँ पर जो कि एक्टिंग के वाइस देखा जाए तो यहाँ पर एक्टिंग वाइज सारी की जो कि देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी है और यहाँ पर जो कि ख़ास एक्टिंग हमें देखने को मिली है ऋतिक रोशन की और यहाँ पर दीपिका की भी एक्टिंग ठीक है और यहाँ पर अनिल कपूर का भी फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छा रोल देखने को मिला है तो यहाँ पर ये यह सारी कास्ट वग़ैरह थी जो अपना अपना रोल प्ले कर रही थी आपसे ओपिनियन देखा जाए तो आपने ओवरऑल कौन मूवी देख रखी होगी तो देखा है तो आपको कौन सा सीन सबसे बेस्ट लगा और कौन सा सीन के साथ साथ आपको कौन किन एक्टर की सबसे अच्छी एक्टिंग लगी और यहाँ पर आपको ये फिल्म भी अच्छी लगी या नहीं वो भी आपने लब कमेंट बॉक्स में जरूरी अपना ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ऐसी मूवी से रिलेटेड अपडेट्स रहने के लिए और यहाँ पर बता दूँ आपको ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी कहाँ पर देखने को मिल जाए मिलेगी और यहाँ पर आप जो तो कैसे सिम को ओ टी पर और कौन सी ओ टी पर देख सकती होती है ये फिल्म आपको ऑफिशियली कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके बारे ऊपर भी बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ सिम का फर्स्ट टीजर 8 दिसंबर को 2023 में रिलीज़ करवाया गया था 50 जन 2024 में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन करके रिपब्लिक डे के पौका पर रिलीज़ करवाया करवाया गया ट्वेंटी फाइव जैन टू में और यहाँ पर रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज होने के बाद इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज़ मिले और ये फिल्म बॉक्स पर एक अच्छी खासी फिल्म चल गई लेकिन उतना इस फिल्म को नुकसान हो सकता था लेकिन फिर भी यह फिल्म चल गई और अपना बजट भी रिकवर कर गई तो यहाँ पर बात करें नेटफ्लिक्स की तो यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशली नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है ये कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हो चुकी है जी हाँ दोस्तों हिंदी में आप दूसरी फिल्म को ऑफिशली वॉच कर सकती हो नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी हिंदी सब और इंग्लिश सब दोनों में तो आप दूसरी फिल्म को जिस भी लैंग्वेज में देखना चाहो जिस भी सब में देखना चाहो तो वहाँ पर आप दोस्त देख सकते हो और साथ ही इस फिल्म को अगर आपने ऑलरेडी देख रखा है तो आपने लाजमी कन्बॉक्स में ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही आप दोस्तों ऋतिक रोशन के डाई हार्ट फैन

जो कि ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई इस फिल्म को टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में तो अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी फाइटर मूवी को देखने के आया हैं तो आप उसको बता दूँ इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको फाइटर मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि यह फिल्म आपको कहाँ पर और ऑफिशियली कैसे देख सकते हो इस फिल्म को वो बताया जाएगा और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि यह फिल्म कैसी है फिल्म का रिव्यू किया जाने वाला है जिससे आप जिसका टाइम थोड़ा सा बच सकते अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो जिसमें आपको इस वीडियो के अंदर इस फिल्म का रिव्यू भी देखने को मिलेगा साथ इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और साथ ही इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और यहाँ पर म्यूजिक डिपार्टमेंट और यहाँ पर डायरेक्शन के ऊपर ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फाइटर मूवी की तो फाइटर ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन एक थ्रिलर वाली फिल्म थी और इसको सेंसर की तरफ से दो घंटे चालीस मिनट का रनिंग टाइम और ड्यूरेशन दिया गया है और यहाँ पर इस फिल्म को जो रेटिंग मिली हुई है टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है वो भी जो कि गूगल के ऊपर और यहाँ पर इसको ट्वेंटी फाइव जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ करवाया गया था थिएटर में और ये एक जब थिएटर में रिलीज़ हुई थी तो इसको जो कि कुछ खास रिव्यूज़ भी नहीं मिले थे वो भी बात करते हैं सबसे पहले इस इनको जो रेटिंग वगैरह है न, टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है एटी सिक्स परसेंट लाइक भी मिले हुए हैं और यहाँ पर फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सिद्धार्थ आर्या ने टू पॉइंट फाइव बिलियन से यार इंडियन रुपीज़ में फिल्म का जो बजट था यानी ढाई सौ करोड़ फिल्म का बजट था और फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी वाइकॉम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर स्टोरी फिल्म को जो कि लिखा था रोमन चेब ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद ने तो यहाँ पर सारा कुछ बात करते हैं आगे के बारे में तो फाइटर मूवी की बात करें तो यहाँ पर आप उसको बता दूँ फाइटर 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन जो कि हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा वाली फिल्म थी डायरेक्टर जो कि सुन को किया सिद्धार्थ आना बेस्ड जो कि स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर रोमांचिव प्रोड्यूसर हैं फिल्म के और यहाँ पर जो स्टोरी बेस्ड है ना वो नाइन्टीज़ तो के ज़माने के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर गाजा के ऊपर यहाँ पर जो अटैक्स वगैरह है ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म थी तो उसके ऊपर भी बात करते हैं आगे डिटेल के साथ यहाँ पर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं वाईकम एटी स्टूडियोज़ और यहाँ पर मारफ्लिक्स पिक्चर्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पर डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने स्टोरी को लिखा है रोमन चिप ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद ने स्क्रीन प्ले रोमन चिप ने मिलकर जो कि लिखा है और यहाँ पर डैलाक्स को लिखा है हुसैन दलाल ने और यहाँ पर अब्बास दलाल और यहाँ पर बिस्वत सरकार ने और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं ममता आनंद और यहाँ पर अंजीत अंदारे अंकु पांडे और यहाँ पर रोमन चिप और यहाँ पर कैमन वेस और यहाँ पर बात करें सैनोडोग्राफ़ी की थी तो यहाँ पर सचिथ थे सचिन जो कि पॉलिस के सीमाडोग्राफर सिन्म हैं आरिफ शेख है। इस के एडिटर हैं और यहाँ पर फिल्म को म्यूजिक दिया हुआ था सचिन बलहारे ने और यहाँ पर अंकित बल्हारे ने और यहाँ पर सॉन्ग्स वगैरह को म्यूजिक दिया विशाल शेखर ने और यहाँ पर प्रोडक्शन uh, कंपनी है वाईकॉम एटीन स्टूडियो मार्फ्लिक्स पिक्चर्स और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी uh, है वाईकॉम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर रिलीज इस फिल्म की ट्वेंटी फाइव जो कि जैन टू है और फिल्म का रनिंग टाइम जो है सेंसर की तरफ से मिला हुआ वो है एक मिनट यानी दो घंटे जो कि छियालीस मिनट और यहाँ पर इस फिल्म को जो लैंग्वेज है ना वो हिंदी की है और फिल्म का बजट था ढाई सौ करोड़ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तीन सौ सैंतीस करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग लेने में भी, भी जो कि कामयाब हो चुकी है तो यहाँ पर बात करें स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ इस फिल्म को जो कि पहले ऑफिलियल रिलीज़ करवाया जाने वाला था थिएटर में तीस सेप्टेम्बर टू में बाद में इस फिल्म को जो कि ट्वेंटी जनवरी टू में ऑफिशियल रिलीज़ करवा दिया गया रिपब्लिक डे के मौका पर और इस फिल्म को उस टाइम पर टूथाँ� मिक्सड रिव्यूज़ मिले कुछ पास जो कि रिव्यूस ना मिलने की वजह से ये फिल्म जो कि बॉक्सेस पर ठीक ठाक है एवरेज जो कि बॉक्सेस पर कलेक्शन कर जाती है लेकिन उतना कलेक्शन नहीं करती जितना ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही थी और ऑडियंसेस इनको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी तो ये भी ठीक ठाक बजट है और इसम ने काफ़ी अच्छा जो कि कलेक्शन किया हुआ है यहाँ पर बात करें फ़िल्म की स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के ऊपर जो कि टेरस्ट अटैक वगैरह होते हैं ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर प्लान वगैरह किया जाते हैं जो इंडिया के ऊपर टारगेट करके जो कि ट्रैग कट के जो प्लान वगैरह किए गए होते हैं अटैक के उन्हीं के ऊपर बेस्ड की गई ये फिल्म है और यहाँ पर कौन कौन सी कास्ट हमें देखने को मिली है वो उसके ऊपर बात करें तो यहाँ पर ऋतिक रोशन जो कि इस फिल्म के अंदर स्क्वाडन लीडर का रोल प्ले करें जिनका नाम शमशेर होता है और यहाँ पर दीपिका पैडाओकोड स्क्वाडर जो कि यहाँ पर स्क्वाडन लीडर के रोल में प्ले कर रही हैं और यहाँ पर मिनल मिनी उनका नाम होता है और यहाँ पर अनिल कपूर भी हैं जो ग्रुप कैप्टन का रोल प्ले कर उनका नाम राकेश होता है और यहाँ पर करण सिंह ग्रोवर फिल्म के अंदर स्क्वाड लीडर का रोल प्ले कर यहाँ पर उनका नाम सरताज होता है और यहाँ पर जो कि अक्षय ओपराए फिल्म के अंदर स्कॉड लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम इस फिल्म के अंदर बाशीर ख़ान होता है और यहाँ पर रिशभ सिनवे फिल्म के अंदर जो कि अजहर अख्तर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर संजीदा शेख फिल्म के अंदर सांची गिल का रोल प्ले कर यहाँ पर अशुतो अश आतुश अशुतोष राना जो फिल्म के अंदर नाम अभिजेज राठौर का रोल प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर जो कि गेस्ट अपीरेंस में देखने को मिल जाते हैं गीता अग्रवाल फिल्म के अंदर उषा राठौर का रोल प्ले कर पर तलत अजीज़ फिल्म के अंदर मिस्टर पत थानिया का रोल प्ले कर रहे हो यहाँ पर शरीफ हाशमी फिल्म के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले कर यहाँ पर बात करें आगे कास्ट की तो यहाँ पर संजीव जयसवाल फिल्म के अंदर मजीद खान का रोल प्ले कर यहाँ पर बवीन सिंह इसम के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम होता है सुखी और यहाँ पर महेश शेट्टी फिल्म के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें वो भी उनका नाम होता है फिल्म के अंदर राजन उन्नी जो कि उन्नी आनीन जो कि उनका नाम होता है सीरत मस्द इसम के अंदर स्कॉडिलर का रोल प्ले कर रहे हैं और इनका नाम होता है नाइना और यहाँ पर बात करें निशान खा खानूजू की तो फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं और यहाँ पर चंदन के आनंद इसम के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले हैं उनका नाम हर्ष नोटी होता है और यहाँ पर मुश्ताक केक इसम के अंदर मकसूद अबरार का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर विनय वर्मा के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर हरीश कातरी के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर रोमन शेब इसम के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर चंद्रशेखर सिम के अंदर राव एजेंट जैर जरीना का रोल प्ले कर रही हैं और यहाँ पर सामविंदना इस फ़िल्म के अंदर भी रोल प्ले करती हुई दिखाई हैं बाशी की वाइफ का और यहाँ पर गीता सोदी फ़िल्म के अंदर मिस्टर मिसिस खान का रोल प्ले कर यहाँ पर और गुरमीत चावला इस फ़िल्म के अंदर जो कि चीफ ऑफ एयर द स्टाफ का रोल प्ले कर रही हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले कर रही है और ये सारी कास्ट वगैरह जो अपना अपना रोल प्ले करने के साथ साथ जो कि के अंदर देखने को मिली है कास्ट वगैरह भी ठीक ठाक है और यहाँ पर जो कि एक्टिंग के वाइज देखा जाए तो यहाँ पर एक्टिंग वाइज सारी की जो कि देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी है और यहाँ पर जो कि ख़ास एक्टिंग हमें देखने को मिली है ऋतिक रोशन की और यहाँ पर दीपिका की भी एक्टिंग ठीक है और यहाँ पर अनिल कपूर का भी फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छा रोल देखने को मिला है तो यहाँ पर ये यह सारी कास्ट वग़ैरह थी जो अपना अपना रोल प्ले कर रही थी आपसे ओपिनियन देखा जाए तो आपने ओवरऑल कौन मूवी देख रखी होगी तो देखा है तो आपको कौन सा सीन सबसे बेस्ट लगा और कौन सा सीन के साथ साथ आपको कौन किन एक्टर की सबसे अच्छी एक्टिंग लगी और यहाँ पर आपको ये फिल्म भी अच्छी लगी या नहीं वो भी आपने लफ कमेंट बॉक्स में जरूरी अपना ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ऐसी मूवी से रिलेटेड अपडेट्स रहने के लिए और यहाँ पर बता दूँ आपको ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी कहाँ पे देखने को मिल जाए मिलेगी और यहाँ पर आप जो तो कैसे सिम को ओ टी प्लेटफॉर्म पर और कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकती होती है ये फिल्म आपको ऑफिशियली कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके बारे ऊपर भी बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ सिम का फर्स्ट टीजर आठ दिसंबर को टू में रिलीज़ करवाया गया था फिफ्टी जन टू में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन करके रिपब्लिक डे के पौक पर रिलीज़ करवाया करवाया गया ट्वेंटी फाइव जैन टू में और यहाँ पर रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज़ होने के बाद इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज़ मिले और यह फिल्म बॉक्स पर एक अच्छी खासी फिल्म चल गई लेकिन उतना इस फिल्म को नुकसान हो सकता था लेकिन फिर भी ये फ़िल्म चल गई और अपना बजट भी रिकवर कर गई तो यहाँ पर बात करें नेटफ्लिक्स की तो यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है ये हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हो चुकी है जी हाँ दोस्तों हिंदी में आप दूसरी फिल्म को ऑफिशियली वॉच कर सकती हो नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी हिंदी सब और इंग्लिश सब दोनों में तो आप दूसरी फिल्म को जिस भी लैंग्वेज में देखना चाहो जिस भी सब में देखना चाहो तो वहाँ पर आप दोस्त देख सकते हो और साथ ही इस फिल्म को अगर आपने ऑलरेडी देख रखा है तो आपने लाजमी कॉस में ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही आप दोस्त ऋतिक रोशन के डाई हार्ट फैन हो तो लाजमी वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी डिस्क्रिप्शन में कर देना और सॉरी कम रोल्स में कर देना और यहाँ पर वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ दोस्तों जो कि फाइटर मूवी के बारे में 2024 में रिलीज की गई ऋतिक रोशन एंड दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म एंड अनिल कपूर स्टारर फिल्म फाइटर जो कि ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई इस फिल्म कोटिड प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में तो अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी फाइटर मूवी को देखने के आया हैं तो आप उसको बता दूँ इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको फ़ाइटर मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर और ऑफिशियली कैसे देख सकते हो इस फिल्म को वो बताया जाएगा और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म कैसी है फिल्म का रिव्यू किया जाने वाला है जिससे आप जिसका टाइम थोड़ा सा बच सकते अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो जिसमें आपको इस वीडियो के अंदर इस फिल्म का रिव्यू भी देखने को मिलेगा साथ इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और साथ ही इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और यहाँ पर म्यूजिक डिपार्टमेंट और यहाँ पर डायरेक्शन के ऊपर ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फाइटर मूवी की तो फाइटर ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन एक थ्रिलर वाली फ़िल्म थी और इसको सेंसर की तरफ से दो घंटे चालीस मिनट का रनिंग टाइम और ड्यूरेशन दिया गया है और यहाँ पर इस को जो रेटिंग मिली हुई है टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है वो भी जो कि गूगल के ऊपर और यहाँ पर इसको ट्वेंटी फाइव जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ करवाया गया था थिएटर में और ये एक जब थिएटर में रिलीज़ हुई थी तो इसको जो कि कुछ खास रिव्यूज़ भी नहीं मिले थे वो भी बात करते हैं सबसे पहले इस इनको जो रेटिंग वगैरह है न, टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है एटी सिक्स परसेंट लाइक भी मिले हुए हैं और यहाँ पर फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सिद्धार्थ आर्या ने टू तो पॉइंट फाइव बिलियन से यार इंडियन रुपीज़ में फिल्म का जो बजट था यानी ढाई सौ करोड़ फिल्म का बजट था और फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी वाईकॉम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर स्टोरी फिल्म को जो कि लिखा था रोमन चेब ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद ने तो यहाँ पर सारा कुछ बात करते हैं आगे के बारे में तो फाइटर मूवी की बात करें तो यहाँ पर आप उसको बता दूँ फाइटर 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन जो कि हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा वाली फिल्म थी डायरेक्ट जो कि सुन को किया सिद्धार्थ आना बेस्ड जो कि स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर रोमांचिव प्रोड्यूसर हैं फिल्म के और यहाँ पर जो स्टोरी बेस्ड है ना वो नाइन्टीज़ तो के ज़माने के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर गाजा के ऊपर यहाँ पर जो अटैक्स वगैरह है ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म थी तो उसके ऊपर भी बात करते हैं आगे डिटेल के साथ यहाँ पर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं वाईकम एटी स्टूडियोज़ और यहाँ पर मारफ्लिक्स पिक्चर्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पर डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने स्टोरी को लिखा है रोमन चिप ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद ने स्क्रीन प्ले रोमन चिप ने मिलकर जो कि लिखा है और यहाँ पर डैलाक्स को लिखा है हुसैन दलाल ने और यहाँ पर अब्बास दलाल और यहाँ पर बिस्वत सरकार ने और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं ममता आनंद और यहाँ पर अंजीत अंदारे अंकु पांडे और यहाँ पर रोमन चिप और यहाँ पर कैमन वेस और यहाँ पर बात करें सैनोडोग्राफी की थी तो यहाँ पर सचिथ थे सचिन जो कि पॉलिस के सीमाडोग्राफर हैं आरिफ शेख इस के एडिटर हैं और यहाँ पर फिल्म को म्यूजिक दिया हुआ था सचिन बलहारे ने और यहाँ पर अंकित बल्हारे ने और यहाँ पर सॉन्ग्स वगैरह को म्यूजिक दिया विशाल शेखर ने और यहाँ पर प्रोडक्शन uh, कंपनी है वाईकॉम एटीन स्टूडियो मार्फ्लिक्स पिक्चर्स और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी uh, है वाईकॉम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर रिलीज डेट इस फिल्म की ट्वेंटी फाइव जो कि जैन टू है और फिल्म का रनिंग टाइम जो है सेंसर की तरफ से मिला हुआ वो है एक मिनट यानी दो घंटे जो कि छियालीस मिनट और यहाँ पर इस फिल्म को जो लैंग्वेज है ना वो हिंदी की है और फिल्म का बजट था ढाई सौ करोड़ फिल्म ने बॉक्सेज पर तीन सौ सैंतीस करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म बॉक्सेस पर हिट का टैग लेने भी, भी जो कि कामयाब हो चुकी है तो यहां पर बात करें स्टोरी के बारे में तो यहां पर आप इसको बता दूं फिल्म को जो कि पहले ऑफिशियल रिलीज करवाया जाने वाला था थिएटर में तीस सेप्टेम्बर टू में बाद में फिल्म को जो कि ट्वेंटी फाइव जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में ऑफिशल रिलीज़ करवा दिया गया रिपब्लिक डे के मौका पर और इस फिल्म को उस टाइम पर मिक्सड रिव्यूज़ मिले कुछ खास जो कि रिव्यूज़ ना मिलने की वजह से ये फिल्म जो कि बॉक्सेस पर ठीक ठाक है एवरेज जो कि बॉक्सेस पर कलेक्शन कर, कर जाती है लेकिन उतना कलेक्शन नहीं करती जितना ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही थी और ऑडियंस इनको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी तो ये भी ठीक ठाक बजट है और इसम ने काफ़ी अच्छा जो कि कलेक्शन किया हुआ है यहाँ पर बात करें फ़िल्म की स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के ऊपर जो कि टेरिस्ट अटैक वगैरह होते हैं ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर प्लान वगैरह किया जाते हैं जो इंडिया के ऊपर टारगेट करके जो कि <laughs> ट्रैक कट के जो प्लान वगैरह किए गए होते हैं अटैक के उन्हीं के ऊपर बेस्ड की गई ये फिल्म है और यहाँ पर कौन कौन सी कास्ट हमें देखने को मिली है वो उसके ऊपर बात करें तो यहाँ पर ऋतिक रोशन जो कि इस फिल्म के अंदर स्क्वाडन लीडर का रोल प्ले करें जिनका नाम शमशेर होता है और यहाँ पर दीपिका पैडाउकोड स्क् स्क्वाडर जो कि यहाँ पर स्क्वाडन लीडर के रोल में प्ले कर रही हैं और यहाँ पर मिनल मिनी उनका नाम होता है और यहाँ पर अनिल कपूर भी हैं जो ग्रुप कैप्टन का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम राकेश होता है और यहाँ पर करण सिंह ग्रोवर सि के अंदर स्कॉल लीडर का रोल प्ले करो यहां पर उनका नाम सरताज होता है और यहाँ पर जो कि अक्षय ओपराए फिल्म के अंदर स्कॉड लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम इस फिल्म के अंदर बाशीर ख़ान होता है और यहाँ पर रिशभ सिनवे फिल्म के अंदर जो कि अजहर अख्तर का रोल प्ले कर यहाँ पर संजीदा शेख फिल्म के अंदर सांची गिल का रोल प्ले करी यहाँ पर अशुतो अशुतोश आतुश अशुतोष राना जो फिल्म के अंदर ना अभिचेज राठौर का रोल प्ले कर करें फिल्म के अंदर जो कि गेस्ट अपीरेंस में देखने को मिल जाते हैं गीता अग्रवाल फिल्म के अंदर उषा राठौर का रोल प्ले कर और यहाँ पर तलत अज़ीज़ फिल्म के अंदर मिस्टर पथ का रोल प्ले करो यहाँ पर शरीफ हाशमी फिल्म के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले करे यहाँ पर बात करें आगे कास्ट की तो यहाँ पर संजीव जायसवाल फिल्म के अंदर मजीद खान का रोल प्ले करो यहाँ पर बवीन सिंह इस के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें उनका नाम होता है सुखी और यहाँ पर महेश शेट्टी फिल्म के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें भी उनका नाम होता है फिल्म के अंदर राजन उन्नी जो कि उन्नी आनीन जो कि उनका नाम होता है सीरत मस्द इसम के अंदर स्कॉडिलर का रोल प्ले कर रहे हैं और इनका नाम होता है नायना और यहाँ पर बात करें निशान खा खानूजू की तो फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं और यहाँ पर चंदन के आनंद इसम के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले करें उनका नाम हर्ष नोटी होता है और यहाँ पर मुश्ताक केकल के अंदर मकसूद अब्रार का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर विनो वर्मा इस फिल्म के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर हरीश कात्री इस फिल्म के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रोल प्ले कर यहाँ पर रोमन शेप इस फिल्म के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर चंद्रशेखर फिल्म के अंदर राव एजेंट जैर जरीना का रोल प्ले कर रही हैं और यहाँ पर सामविंदना इस फ़िल्म के अंदर भी रोल प्ले करती हुई दिखाई हैं बाशी की वाइफ का और यहाँ पर गीता सोदी फ़िल्म के अंदर मिस्टर मिसिस खान का रोल प्ले कर यहाँ पर और गुरमीत चावला इस फ़िल्म के अंदर जो कि चीफ ऑफ एयर द स्टाफ का रोल प्ले कर रही हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले कर रही है और ये सारी कास्ट वगैरह जो अपना अपना रोल प्ले करने के साथ साथ जो कि के अंदर देखने को मिली है कास्ट वगैरह भी ठीक ठाक है और यहाँ पर जो कि एक्टिंग के वाइज देखा जाए तो यहाँ पर एक्टिंग वाइज सारी की जो कि देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी है और यहाँ पर जो कि ख़ास एक्टिंग हमें देखने को मिली है ऋतिक रोशन की और यहाँ पर दीपिका की भी एक्टिंग ठीक है और यहाँ पर अनिल कपूर का भी फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छा रोल देखने को मिला है तो यहाँ पर ये यह सारी कास्ट वग़ैरह थी जो अपना अपना रोल प्ले कर रही थी आपसे ओपिनियन देखा जाए तो आपने ओवरऑल कौन मूवी देख रखी होगी तो देखा है तो आपको कौन सा सीन सबसे बेस्ट लगा और कौन सा सीन के साथ साथ आपको कौन किन एक्टर की सबसे अच्छी एक्टिंग लगी और यहाँ पर आपको ये फिल्म भी अच्छी लगी या नहीं वो भी आपने लफ कमेंट बॉक्स में जरूरी अपना ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ऐसी मूवी से रिलेटेड अपडेट्स रहने के लिए और यहाँ पर बता दूँ आपको ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी कहाँ पे देखने को मिल जाए मिलेगी और यहाँ पर आप जो कैसे सिम को ओ टी प्लेटफॉर्म पर और कौन से प्लेटफॉर्म पर देख सकती होती है ये फिल्म आपको ऑफिशियली कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके बारे ऊपर भी बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ सिम का फर्स्ट टीजर आठ दिसंबर को टू में रिलीज़ करवाया गया था फिफ्टी जन टू में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन करके रिपब्लिक डे के पौका पर रिलीज़ करवाया करवाया गया ट्वेंटी फाइव जैन टू में यहाँ पर रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज होने के बाद इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज़ मिले और ये फिल्म बॉक्सेस पर एक अच्छी खासी फिल्म चल गई लेकिन उतना इस फिल्म को नुकसान हो सकता था लेकिन फिर भी यह फिल्म चल गई और अपना बजट भी रिकवर कर गई तो यहाँ पर बात करें नेटफ्लिक्स की तो यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है ये कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हो चुकी है जी हाँ दोस्तों हिंदी में आप दूसरी फिल्म आप को ऑफिशली वॉच कर सकते हो और नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी हिंदी सब और इंग्लिश सब दोनों में तो आप दूसरी फिल्म को जिस भी लैंग्वेज में देखना चाहो जिस भी सब में देखना चाहो तो वहाँ पर आप दोस्त देख सकते हो और साथ ही इस फिल्म को अगर आपने ऑलरेडी देख रखा है तो आपने लाजमी कॉन्बॉक्स में ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही आप दोस्तों ऋतिक रोशन के डाई हार्ट फैन

जो कि ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई इस फिल्म टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में तो अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी फाइटर मूवी को देखने के आया हैं तो आप उसको बता दूँ इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको फाइटर मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि यह फिल्म आपको कहाँ पर और ऑफिशियली कैसे देख सकते हो इस फिल्म को वो बताया जाएगा और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि यह फिल्म कैसी है फिल्म का रिव्यू किया जाने वाला है जिससे आप जिसका टाइम थोड़ा सा बच सकते अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो जिसमें आप आपको इस वीडियो के अंदर इस फिल्म का रिव्यू भी देखने को मिलेगा साथ इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और साथ ही इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और यहाँ पर म्यूजिक डिपार्टमेंट और यहाँ पर डायरेक्शन के ऊपर ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फाइटर मूवी की तो फाइटर ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी और इसको सेंसर की तरफ से दो घंटे चालीस मिनट का रनिंग टाइम और ड्यूरेशन दिया गया है और यहाँ पर इस फिल्म को जो रेटिंग मिली हुई है टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है वो भी जो कि गूगल के ऊपर और यहाँ पर इसको ट्वेंटी फाइव जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ करवाया गया था थिएटर में और ये एक जब थिएटर में रिलीज़ हुई थी तो इसको जो कि कुछ खास रिव्यूज़ भी नहीं मिले थे वो भी बात करते हैं सबसे पहले इस इनको जो रेटिंग वगैरह हैं टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है एटी सिक्स परसेंट लाइक भी मिले हुए हैं और यहाँ पर फिल्म को ड्रैक किया हुआ है सिद्धार्थ आर्या ने टू पॉइंट फाइव बिलियन से इस यार इंडियन रुपीज़ में फिल्म का जो बजट था यानी ढाई सौ करोड़ फिल्म का बजट था और फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी वाईकॉम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर स्टोरी फिल्म को जो कि लिखा था रोमन चेब ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद ने तो यहाँ पर सारा कुछ बात करते हैं आगे के बारे में तो फाइटर मूवी की बात करें तो यहाँ पर आप उसको बता दूँ फ़ाइटर 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन जो कि हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा वाली फिल्म थी डायरेक्ट जो कि सुन को किया सिद्धार्थ आना बेस्ड जो कि स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर रोमांचिव प्रोड्यूसर हैं फिल्म के और यहाँ पर जो स्टोरी बेस्ड है ना वो नाइन्टीज़ तो के ज़माने के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर गाजा के ऊपर यहाँ पर जो अटैक्स वगैरह है ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म थी तो उसके ऊपर भी बात करते हैं आगे डिटेल के साथ यहाँ पर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं वाईकम एटी स्टूडियोज़ और यहाँ पर मारफ्लिक्स पिक्चर्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पर डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने स्टोरी को लिखा है रोमन चिप ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आरोन ने स्क्रीन प्ले रोमन चिप ने मिलकर जो कि लिखा है और यहाँ पर डैलाक्स को लिखा है हुसैन दलाल ने और यहाँ पर अब्बास दलाल और यहाँ पर बिस्वत सरकार ने और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं ममता आनंद और यहाँ पर अंजीत अंदारे अंकु पांडे और यहाँ पर रोमन चिप और यहाँ पर कैमन वेस और यहाँ पर बात करें सैनोडोग्राफी की थी तो यहाँ पर थे सचिन जो के पॉलिस के सीमाडोग्राफर हैं आरिफ शेख इस के एडिटर हैं और यहाँ पर फिल्म को म्यूजिक दिया हुआ था सचिन बलहारे ने और यहाँ पर अंकित बल्हारे ने और यहाँ पर सॉन्ग्स वगैरह को म्यूजिक दिया विशाल शेखर ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम एटीन स्टूडियो मार्फ्लैक्स पिक्चर्स और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वाईकॉम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर इस फिल्म की ट्वेंटी फाइव जो कि जैन टू है और फिल्म का रनिंग टाइम जो है सेंसर की तरफ से मिला हुआ वो है एक मिनट यानी दो घंटे जो कि छियालीस मिनट और यहाँ पर इस फिल्म को जो लैंग्वेज है ना वो हिंदी की है और फिल्म का बजट था ढाई सौ करोड़ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तीन सौ सैंतीस करोड़ का कलेक्शन किया और ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग लेने में भी, भी जो कि कामयाब हो चुकी है तो यहाँ पर बात करें स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ इस फिल्म को जो कि पहले ऑफिल रिलीज़ करवाया जाने वाला था थिएटर में तीस सेप्टेम्बर टू में बाद में इस फिल्म को जो कि ट्वेंटी जनवरी टू में ऑफिशियल रिलीज़ करवा दिया गया रिपब्लिक डे के मौका पर और इस फिल्म को उस टाइम पर मिक्सड रिव्यूज़ मिले कुछ पास जो कि रिव्यूस ना मिलने की वजह से ये फिल्म जो कि बॉक्सेस पर ठीक ठाक है एवरेज जो कि बॉक्सेस पर कलेक्शन कर, कर जाती है लेकिन उतना कलेक्शन नहीं करती जितना ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही थी और ऑडियंसेस इनको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी तो ये भी ठीक ठाक बजट है और इसम ने काफ़ी अच्छा जो कि कलेक्शन किया हुआ है यहाँ पर बात करें फ़िल्म की स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के ऊपर जो कि टेरिस्ट अटैक वगैरह होते हैं ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर प्लान वगैरह किया जाते हैं जो इंडिया के ऊपर टारगेट करके जो कि <laughs> ट्रैक के कट के जो प्लान वगैरह किए गए होते हैं अटैक के उन्हीं के ऊपर बेस्ड की गई ये फिल्म है और यहाँ पर कौन कौन सी कास्ट हमें देखने को मिली है वो उसके ऊपर बात करें तो यहाँ पर ऋतिक रोशन जो कि इस फिल्म के अंदर स्क्वाडन लीडर का रोल प्ले करें जिनका नाम शमशेर होता है और यहाँ पर दीपिका पैडाउकोड स्क् स्क्वाडर जो कि यहाँ पर स्क्वाडन लीडर के रोल में प्ले कर रही हैं और यहाँ पर मिनल मिनी उनका नाम होता है और यहाँ पर अनिल कपूर भी हैं जो ग्रुप कैप्टन का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम राकेश होता है और यहाँ पर करण सिंह ग्रोवर सि के अंदर स्कॉर्ड लीडर का रोल प्ले करो यहां पर उनका नाम सरताज होता है और यहाँ पर जो कि अक्षय ओपराए फिल्म के अंदर स्कॉड लीडर रोल का सिन्वे सिन्वे रोल प्ले कर रहे हैं है उनका नाम इस फिल्म के अंदर बाशीर ख़ान होता है और यहाँ पर ऋषभ सिनवे फिल्म के अंदर जो कि अजहर अख्तर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर संजीदा शेख फिल्म के अंदर सांची गिल का रोल प्ले कर यहाँ पर अशुतो अशुतोश आतुश अशुतोष राणा जो फिल्म के अंदर नाम अभिजेज राठौर का रोल प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर जो कि गेस्ट अपीरेंस में देखने को मिल जाते हैं गीता अग्रवाल इस फिल्म के अंदर उषा राठौर का रोल प्ले करी यहाँ पर तलत अजीज़ फिल्म के अंदर मिस्टर पत थानिया का रोल प्ले कर यहाँ पर शरीफ हाशमी फिल्म के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले कर यहाँ पर बात करें आगे कास्ट की तो यहाँ पर संजीव जयसवाल फिल्म के अंदर मजीद खान का रोल प्ले कर यहाँ पर बवीन सिंह फिल्म के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम होता है सुखी और यहाँ पर महेश शेट्टी फिल्म के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें वो भी उनका नाम होता है फिल्म के अंदर राजन उन्नी जो कि उन्नी आनीन जो कि उनका नाम होता है सीरत मस्द इसम के अंदर स्कॉडिलर का रोल प्ले कर रहे हैं और इनका नाम होता है नायना और यहाँ पर बात करें निशान खा खानूजू की तो फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं और यहाँ पर चंदन के आनंद इसम के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले करें उनका नाम हर्ष नोटी होता है और यहाँ पर मुश्ताक केक के अंदर मकसूद अब्रार का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर विनय वर्मा के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर हरीश कात्री के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर रोमन शेब इसम के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर चंद्रशेखर सिम के अंदर राव एजेंट जैर जरीना का रोल प्ले कर रही हैं और यहाँ पर सामविंदना इस फ़िल्म के अंदर भी रोल प्ले करती हुई दिखाई हैं बाशी की वाइफ का और यहाँ पर गीता सोदी फ़िल्म के अंदर मिस्टर मिसिस खान का रोल प्ले कर यहाँ पर और गुरमीत चावला इस फ़िल्म के अंदर जो कि चीफ ऑफ एयर द स्टाफ का रोल प्ले कर रही हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले कर रही है और ये सारी कास्ट वगैरह जो अपना अपना रोल प्ले करने के साथ साथ जो कि के अंदर देखने को मिली है कास्ट वगैरह भी ठीक ठाक है और यहाँ पर जो कि एक्टिंग के वाइस देखा जाए तो यहाँ पर एक्टिंग वाइज सारी की जो कि देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी है और यहाँ पर जो कि ख़ास एक्टिंग हमें देखने को मिली है ऋतिक रोशन की और यहाँ पर दीपिका की भी एक्टिंग ठीक है और यहाँ पर अनिल कपूर का भी फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छा रोल देखने को मिला है तो यहाँ पर ये यह सारी कास्ट वगैरह थी जो अपना अपना रोल प्ले कर रही थी आपसे ओपिनियन देखा जाए तो आपने ओवरऑल कौन मूवी देख रखी होगी तो देखा है तो आपको कौन सा सीन सबसे बेस्ट लगा और कौन सा सीन के साथ साथ आपको कौन किन एक्टर की सबसे अच्छी एक्टिंग लगी और यहाँ पर आपको ये फिल्म भी अच्छी लगी या नहीं वो भी आपने लफ कमेंट बॉक्स में जरूरी अपना ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ऐसी मूवी से रिलेटेड अपडेट्स रहने के लिए और यहाँ पर बता दूँ आपको ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी कहाँ पे देखने को मिल जाए मिलेगी और यहाँ पर आप जो कैसे सिम को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकती होती है ये फिल्म आपको ऑफिशियली कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके बारे ऊपर भी बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ सिम का फर्स्ट टीजर आठ दिसंबर को टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में रिलीज़ करवाया गया था फिफ्टी जन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन करके रिपब्लिक डे के पौक पर रिलीज़ करवाया करवाया गया ट्वेंटी फाइव जैन टू थाउजेंडेंड ट्वेंटी फोर में और पर रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज होने के बाद इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिले और यह फिल्म बॉक्स पर एक अच्छी खासी फिल्म चल गई लेकिन उतना इस फिल्म को नुकसान हो सकता था लेकिन फिर भी यह फिल्म चल गई और अपना बजट भी रिकवर कर गई तो यहाँ पर बात करें नेटफ्लिक्स की तो यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है ये कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हो चुकी है जी हाँ दोस्तों हिंदी में आप दूसरी फिल्म को ऑफि वॉच कर सकते हो और नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी हिंदी सब और इंग्लिश सब दोनों में तो आप दूसरी फिल्म को जिस भी लैंग्वेज में देखना चाहो जिस भी सब में देखना चाहो तो वहाँ पर आप दोस्त देख सकते हो और साथ ही इस फिल्म को अगर आप सोने ऑलरेडी देख रखा है तो आपने लाजमी कॉन्बॉक्स में ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही आप दोस्तों ऋतिक रोशन के डाई हार्ट

जो कि ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई इस फिल्म टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में तो अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी फाइटर मूवी को देखने के आया हैं तो आप उसको बता दूँ इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको फ़ाइटर मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर और ऑफिशियली कैसे देख सकते हो इस फिल्म को वो बताया जाएगा और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि यह फ़िल्म कैसी है फिल्म का रिव्यू किया जाने वाला है जिससे आप जिसका टाइम थोड़ा सा बच सकते अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो जिसमें आप आपको इस वीडियो के अंदर इस फिल्म का रिव्यू भी देखने को मिलेगा साथ इस के के बारे में बताया जाएगा और साथ ही फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन और कलेक्शन और यहाँ पर म्यूजिक डिपार्टमेंट और यहाँ पर के ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फाइटर मूवी की तो फाइटर ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फ़िल्म थी और इसको सेंसर की तरफ से दो घंटे चालीस मिनट का रनिंग टाइम और ड्यूरेशन दिया गया है और यहाँ पर इस को जो रेटिंग मिली हुई है टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है वो भी जो कि गूगल के ऊपर और यहाँ पर इसको ट्वेंटी फाइव जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ करवाया गया था थिएटर में और ये एक जब थिएटर में रिलीज़ हुई थी तो इसको जो कि कुछ खास रिव्यूज़ भी नहीं मिले थे वो भी बात करते हैं सबसे पहले इस इनको जो रेटिंग वगैरह है टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है एटी सिक्स परसेंट लाइक भी मिले हुए हैं और यहाँ पर इस स्रैक किया हुआ है सिद्धार्थ आर्या ने टू पॉइंट फाइव बिलियन से यार इंडियन रुपीज़ में फिल्म का जो बजट था यानी ढाई सौ करोड़ फिल्म का बजट था और फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी वाईकॉम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर स्टोरी फिल्म को जो कि लिखा था रोमन चेब ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद ने तो यहाँ पर सारा कुछ बात करते हैं एगेसन के बारे में तो फाइटर मूवी की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दूँ फाइटर 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन जो कि हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा वाली फिल्म थी डायरेक्टर जो कि सुन को किया सिद्धार्थ आना बेस्ड जो कि स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर रोमांचिव प्रोड्यूसर हैं फिल्म के और यहाँ पर जो स्टोरी बेस्ड है ना वो नाइन्टीज़ तो के ज़माने के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर गाजा के ऊपर यहाँ पर जो अटैक्स वगैरह है ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म थी तो उसके ऊपर भी बात करते हैं आगे डिटेल के साथ यहाँ पर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं वाईकम एटी स्टूडियोज़ और यहाँ पर मारफ्लिक्स पिक्चर्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पर डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने स्टोरी को लिखा है रोमन चिप ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद ने स्क्रीन प्ले रोमन चिप ने मिलकर जो कि लिखा है और यहाँ पर डैलाक्स को लिखा है हुसैन दलाल ने और यहाँ पर अब्बास दलाल और यहाँ पर बिस्वत सरकार ने और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं ममता आनंद और यहाँ पर अंजीत अंदारे अंकु पांडे और यहाँ पर रोमन चिप और यहाँ पर कैमन वेस और यहाँ पर बात करें सैनोडोग्राफी की थी तो यहाँ पर सचिन थे सचिन जो के पॉलिस फिल्म के सैनोडोग्राफर हैं आरिफ शेख इस के एडिटर हैं और यहाँ पर फिल्म को म्यूजिक दिया हुआ था सचिन बलहारे ने और यहाँ पर अंकित बल्हारे ने और यहाँ पर सॉन्ग्स वगैरह को म्यूजिक दिया विशाल शेखर ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी है वाईकॉम एटीन स्टूडियो मार्फ्लिक्स पिक्चर्स और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वाईकॉम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर रिलीज डेट इस फिल्म की ट्वेंटी फाइव जो कि जैन टू है और फिल्म का रनिंग टाइम जो है सेंसर की तरफ से मिला हुआ वो है एक मिनट यानी दो घंटे जो कि छियालीस मिनट और यहाँ पर इस फिल्म को जो लैंग्वेज है ना वो हिंदी की है और फिल्म का बजट था ढाई सौ करोड़ फिल्म ने बॉक्सेज पर तीन सौ सैंतीस करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म बॉक्सेस पर हिट का टैग लेने भी, भी जो कि कामयाब हो चुकी है तो यहां पर बात करें स्टोरी के बारे में तो यहां पर आप इसको बता दूँ इस फिल्म को जो कि पहले ऑफिशियल रिलीज करवाया जाने वाला था थिएटर में तीस सेप्टेम्बर टू में बाद में फिल्म को जो कि ट्वेंटी फाइव जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में ऑफिशल रिलीज़ करवा दिया गया रिपब्लिक डे के मौका पर और इस फिल्म को उस टाइम पर मिक्सड रिव्यूज़ मिले कुछ ख़ास जो कि रिव्यूज़ ना मिलने की वजह से ये फिल्म जो कि बॉक्सेस पर ठीक ठाक है एवरेज जो कि बॉक्सेस पर कलेक्शन कर, कर जाती है लेकिन उतना कलेक्शन नहीं करती जितना ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही थी और ऑडियंस फिल्म को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी तो ये भी ठीक ठाक बजट है और इसम ने काफ़ी अच्छा जो कि कलेक्शन किया हुआ है यहाँ पर बात करें फ़िल्म की स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के ऊपर जो कि टेरिस्ट अटैक वगैरह होते हैं ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर प्लान वगैरह किया जाते हैं जो इंडिया के ऊपर टारगेट करके जो कि <laughs> ट्रैक के कट के जो प्लान वगैरह तो किए गए होते हैं अटैक के उन्हीं के ऊपर बेस्ड की गई ये फिल्म है और यहाँ पर कौन कौन सी कास्ट हमें देखने को मिली है वो उसके ऊपर बात करें तो यहाँ पर ऋतिक रोशन जो कि इस फिल्म के अंदर स्क्वाडन लीडर का रोल प्ले करें जिनका नाम शमशेर होता है और यहाँ पर दीपिका पैडाउकोड स्क् स्क्वाडर जो कि यहाँ पर स्क्वाडन लीडर के रोल में प्ले कर रही हैं और यहाँ पर मिनल मिनी उनका नाम होता है और यहाँ पर अनिल कपूर भी हैं जो ग्रुप कैप्टन का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम राकेश होता है और यहाँ पर करण सिंह ग्रोवर सि के अंदर स्कॉल लीडर का रोल प्ले करो यहां पर उनका नाम सरताज होता है और यहाँ पर जो कि अक्षय ओपराए फिल्म के अंदर स्कॉड लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं है उनका नाम इस फिल्म के अंदर बाशीर ख़ान होता है और यहाँ पर रिशभ सिनवे फिल्म के अंदर जो कि अजहर अख्तर का रोल प्ले कर यहाँ पर संजीदा शेख फिल्म के अंदर सांची गिल का रोल प्ले करी यहाँ पर अशुतोश आतुश अशुतोष राना जो फिल्म के अंदर ना अभिचेज राठौर का रोल प्ले कर करें फिल्म के अंदर जो कि गेस्ट अपीरेंस में देखने को मिल जाते हैं गीता अग्रवाल फिल्म के अंदर उषा राठौर का रोल प्ले करी यहाँ पर तलत अजीज़ फिल्म के अंदर मिस्टर पथा का रोल प्ले करे यहाँ पर शरीफ हाशमी फिल्म के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले कर यहाँ पर बात करें आगे कास्ट की तो यहाँ पर संजीव जयसवाल इसलिए के अंदर मजीद खान का रोल प्ले कर यहाँ पर बवीन सिंह इस फिल्म के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें उनका नाम होता है सुखी और यहाँ पर महेश शेट्टी इस फिल्म के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें वो भी उनका नाम होता है फिल्म के अंदर राचन उन्नी जो कि उन्नी आनीन जो कि उनका नाम होता है सीरत मसद इसम के अंदर स्कॉडिलर का रोल प्ले कर रहे हैं और इनका नाम होता है नायना और यहाँ पर बात करें निशान खा खानूजू की तो फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं और यहाँ पर चंदन के आनंद इसम के अंदर विंग कमांडर का कर रोल प्ले करें उनका नाम हर्ष नोटी होता है और यहाँ पर मुश्ताक केकल के अंदर मकसूद अब्रार का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर विनो वर्मा इस फिल्म के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर हरीश का, कात्री इस फिल्म के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रोल प्ले कर यहाँ पर रोमन शेप फिल्म के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर चंद्रशेखर अंदर राव एजेंट जैर जरीना का रोल प्ले कर रही हैं और यहाँ पर सामविंदना इस फ़िल्म के अंदर भी रोल प्ले करती हुई दिखाई हैं बाशी की वाइफ का और यहाँ पर गीता सोदी फ़िल्म के अंदर मिस्टर मिसिस खान का रोल प्ले कर यहाँ पर और गुरमीत चावला इस फ़िल्म के अंदर जो कि चीफ ऑफ एयर द स्टाफ का रोल प्ले कर रही हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले कर रही है और ये सारी कास्ट वगैरह जो अपना अपना रोल प्ले करने के साथ साथ जो कि सिम के अंदर देखने को मिली है कास्ट वगैरह भी ठीक ठाक है और यहाँ पर जो कि एक्टिंग वाइज़ देखा जाए तो यहाँ पर एक्टिंग वाइज़ सारी की जो कि देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी है और यहाँ पर जो कि ख़ास एक्टिंग हमें देखने, देखने को मिली है ऋतिक रोशन की और यहाँ पर दीपिका की भी एक्टिंग ठीक है और यहाँ पर अनिल कपूर का भी इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छा रोल देखने को मिला है तो यहाँ पर ये सारी कास्ट वगैरह थी जो अपना अपना रोल प्ले कर रही थी आपसे ओपिनियन देखा जाए तो आपने ओवरऑल मूवी देख रखी होगी तो देखा है तो आपको कौन सा सीन सबसे बेस्ट लगा और कौन सा सीन के साथ साथ आपको कौन किन एक्टर की सबसे अच्छी एक्टिंग लगी और यहाँ पर आपको ये फिल्म भी अच्छी लगी या नहीं वो भी आपने लफ कमेंट बॉक्स में जरूरी अपना ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और इसी मूवी से रिलेटेड अपडेट्स रहने के लिए और यहाँ पर बता दूँ आपको ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी कहाँ पे देखने को मिल जाए मिलेगी और यहाँ पर आप जो कैसे सिम को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और कौन सी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकती होती है ये फिल्म आपको ऑफिशियली कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके बारे ऊपर भी बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ सिम का फर्स्ट टीजर आठ दिसंबर को टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में रिलीज़ करवाया गया था फिफ्टी जन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन करके रिपब्लिक डे के पौक पर रिलीज़ करवाया गया ट्वेंटी फाइव जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में और यहाँ पर रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज होने के बाद इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज़ मिले और यह फिल्म बॉक्स पर एक अच्छी खासी फिल्म चल गई लेकिन उतना इस फिल्म को नुकसान हो सकता था लेकिन फिर भी यह फिल्म चल गई और अपना बजट भी रिकवर कर गई तो यहाँ पर बात करें नेटफ्लिक्स की तो यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है ये कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हो चुकी है जी हाँ दोस्तों हिंदी में आप दूसरी फिल्म आप को ऑफिशियली वॉच कर सकते हो नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी हिंदी सब और इंग्लिश सब दोनों में तो आप दूसरी फिल्म को जिस भी लैंग्वेज में देखना चाहो जिस भी सब में देखना चाहो तो वहाँ पर आप दोस्त देख सकते हो और साथ ही इस फिल्म को अगर आप सोने ऑलरेडी देख रखा है तो आपने लाजमी कॉन्बॉक्स में ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही आप दोस्तों ऋतिक रोशन के डाई हार्ट फैन

जो कि ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई इस फिल्म टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में तो अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी फाइटर मूवी को देखने के आया हैं तो आप उसको बता दूँ इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको फ़ाइटर मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर और ऑफिशियली कैसे देख सकते हो इस फिल्म को वो बताया जाएगा और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि ये फ़िल्म कैसी है फिल्म का रिव्यू किया जाने वाला है जिससे आप जिसका टाइम थोड़ा सा बच सकते अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो जिसमें आप उसको इस वीडियो के अंदर इस फिल्म का रिव्यू भी देखने को मिलेगा साथ इस फिल्म के नॉन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और साथ ही इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और यहां पर म्यूजिक डिपार्टमेंट और यहां पर डायरेक्शन के ऊपर ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर आपस ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फाइटर मूवी की तो फाइटर ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई हिंदी लैंग्वेज की फ़िल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फ़िल्म थी और इसको सेंसर की तरफ से दो घंटे चालीस मिनट का रनिंग टाइम और ड्यूरेशन दिया गया है और यहाँ पर इस इसम को जो रेटिंग मिली हुई है टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है वो भी जो कि गूगल के ऊपर और यहाँ पर इसको ट्वेंटी फाइव जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ करवाया गया था थिएटर में और ये एक जब थिएटर में रिलीज़ हुई थी तो इस को जो कि कुछ खास रिव्यूज़ भी नहीं मिले थे वो भी बात करते हैं सबसे पहले इस फिल्म को जो रेटिंग वगैरह है न, टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है एटी सिक्स परसेंट लाइक भी मिले हुए हैं और यहाँ पर इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सिद्धार्थ आर्या ने टू पॉइंट फाइव बिलियन से यार इंडियन रुपीज़ में फिल्म रुपीज का जो बजट था यानी ढाई सौ करोड़ फिल्म का बजट था और फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी वाईकॉम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर स्टोरी फिल्म को जो कि लिखा था रोमन चेब ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद ने तो यहाँ पर सारा कुछ बात करते हैं एगेसन के बारे में तो फाइटर मूवी की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दूँ फाइटर 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन जो कि हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा वाली फिल्म थी डायरेक्टर जो कि सुन को किया सिद्धार्थ आना बेस्ड जो कि स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर रोमांचिव प्रोड्यूसर हैं फिल्म के और यहाँ पर जो स्टोरी बेस्ड है ना वो नाइन्टीज़ तो के ज़माने के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर गाजा के ऊपर यहाँ पर जो अटैक्स वगैरह है ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म थी तो उसके ऊपर भी बात करते हैं आगे डिटेल के साथ यहाँ पर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं वाईकम एटी स्टूडियोज़ और यहाँ पर मारफ्लिक्स पिक्चर्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पर डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने स्टोरी को लिखा है रोमन चिप ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद ने स्क्रीन प्ले रोमन चिप ने मिलकर जो कि लिखा है और यहाँ पर डैलाक्स को लिखा है हुसैन दलाल ने और यहाँ पर अब्बास दलाल और यहाँ पर बिस्वत सरकार ने और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं ममता आनंद और यहाँ पर अंजीत अंदारे अंकु पांडे और यहाँ पर रोमन चिप और यहाँ पर कैमन वेस और यहाँ पर बात करें सैनमोडोग्राफी की थी तो यहाँ पर थे सचिन जो के पॉलिस के सैनोडोग्राफर हैं आरिफ शेख सिंह के एडिटर हैं और यहाँ पर सीम को म्यूजिक दिया हुआ था सचिन बलहारे ने और यहाँ पर अंकित बल्हारे ने और यहाँ पर सॉन्ग्स वगैरह को म्यूजिक दिया विशाल शेखर ने और यहाँ पर प्रोडक्शन uh, कंपनी है वाईकॉम एटीन स्टूडियो मार्फ्लिक्स पिक्चर्स और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वाईकॉम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर रिलीजी फिल्म की ट्वेंटी फाइव जो कि जैन टू है और फिल्म का रनिंग टाइम जो है सेंसर की तरफ से मिला हुआ वो है एक मिनट यानी दो घंटे जो कि छियालीस मिनट और यहाँ पर इस फिल्म को जो लैंग्वेज है ना वो हिंदी की है और फिल्म का बजट था ढाई सौ करोड़ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तीन सौ सैंतीस करोड़ का कलेक्शन किया और ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग लेने में भी, भी जो कि कामयाब हो चुकी है तो यहाँ पर बात करें स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ इस फिल्म को जो कि पहले ऑफिल रिलीज़ करवाया जाने वाला था थिएटर में तीस सेप्टेम्बर टू में बाद में इस फिल्म को जो कि ट्वेंटी जनवरी टू में ऑफिशियल रिलीज़ करवा दिया गया रिपब्लिक डे के मौका पर और इस फिल्म को उस टाइम पर मिक्सड रिव्यूज़ मिले कुछ पास जो कि रिव्यूस ना मिलने की वजह से ये फिल्म जो कि बॉक्सेस पर ठीक ठाक है एवरेज जो कि बॉक्सेस पर कलेक्शन कर, कर जाती है लेकिन उतना कलेक्शन नहीं करती जितना ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही थी और ऑडियंसेस इनको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी तो ये भी ठीक ठाक बजट है और इसम ने काफ़ी अच्छा जो कि कलेक्शन किया हुआ है यहाँ पर बात करें फ़िल्म की स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के ऊपर जो कि टेरिस्ट अटैक वगैरह होते हैं ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर प्लान वगैरह किया जाते हैं जो इंडिया के ऊपर टारगेट करके जो कि <laughs> ट्राइड के कट के जो प्लान वगैरह किए गए होते हैं अटैक के उन्हीं के ऊपर बेस्ड की गई ये फिल्म है और यहाँ पर कौन कौन सी कास्ट हमें देखने को मिली है वो उसके ऊपर बात करें तो यहाँ पर ऋतिक रोशन जो कि इस फिल्म के अंदर स्क्वाडन लीडर का रोल प्ले करें जिनका नाम शमशेर होता है और यहाँ पर दीपिका पैडाउकोड स्क् स्क्वाडर जो कि यहाँ पर स्क्वाडन लीडर के रोल में प्ले कर रही हैं और यहाँ पर मिनल मिनी उनका नाम होता है और यहाँ पर अनिल कपूर भी हैं जो ग्रुप कैप्टन का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम राकेश होता है और यहाँ पर करण सिंह ग्रोवर के अंदर स्कॉड लीडर का रोल प्ले करो यहां पर उनका नाम सरताज होता है और यहाँ पर जो कि अक्षय ओपराए फिल्म के अंदर स्कॉड लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम इस फिल्म के अंदर बाशीर ख़ान होता है और यहाँ पर रिशभ सिनवे फिल्म के अंदर जो कि अजहर अख्तर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर संजीदा शेख फिल्म के अंदर सांची गिल का रोल प्ले कर यहाँ पर अशुतोश आतुश अशुतोष राणा जो फिल्म के अंदर नाम अभिचेज राठौर का रोल प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर जो कि गेस्ट अपीरेंस में देखने को मिल जाते हैं गीता अग्रवाल इस फिल्म के अंदर उषा राठौर का रोल प्ले करी तो यहाँ पर तलत अजीज़ फिल्म के अंदर मिस्टर पत थानिया का रोल प्ले करो यहाँ पर शरीफ हाशमी फिल्म के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले कर यहाँ पर बात करें आगे कास्ट की तो यहाँ पर संजीव जयसवाल फिल्म के अंदर मजीद खान का रोल प्ले करो यहाँ पर बवीन सिंह इसम के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें उनका नाम होता है सुखी और यहाँ पर महेश शेट्टी फिल्म के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें वो भी उनका नाम होता है फिल्म के अंदर राजन उन्नी जो कि उन्नी आनीन जो कि उनका नाम होता है सीरत मस्द इसम के अंदर स्कॉडिलर का रोल प्ले कर रहे हैं और इनका नाम होता है नायना और यहाँ पर बात करें निशान खा खानूजू की तो फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं और यहाँ पर चंदन के आनंद इसम के अंदर विंग कमांडर का कर रोल प्ले करें उनका नाम हर्ष नोटी होता है और यहाँ पर मुश्ताक केक के, के अंदर मकसूद अबरार का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर विनय वर्मा इस फिल्म के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर हरीश कात्री इसम के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रोल प्ले कर यहाँ पर रोमन शेब इसम के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर चंद्रशेखर सिम के अंदर राव एजेंट जैर जरीना का रोल प्ले कर रही हैं और यहाँ पर सामविंदना इस फ़िल्म के अंदर भी रोल प्ले करती हुई दिखाई हैं बाशी की वाइफ का और यहाँ पर गीता सोदी फ़िल्म के अंदर मिस्टर मिसिस खान का रोल प्ले कर यहाँ पर और गुरमीत चावला इस फ़िल्म के अंदर जो कि चीफ ऑफ एयर द स्टाफ का रोल प्ले कर रही हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले कर रही है और ये सारी कास्ट वगैरह जो अपना अपना रोल प्ले करने के साथ साथ जो कि के अंदर देखने को मिली है कास्ट वगैरह भी ठीक ठाक है और यहाँ पर जो कि एक्टिंग के देखा जाए तो यहाँ पर एक्टिंग वाइज सारी की जो कि देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी है और यहाँ पर जो कि ख़ास एक्टिंग हमें देखने को मिली है ऋतिक रोशन की और यहाँ पर दीपिका की भी एक्टिंग ठीक है और यहाँ पर अनिल कपूर का भी सिम के अंदर काफ़ी अच्छा रोल देखने को मिला है तो यहाँ पर ये यह सारी कास्ट वगैरह थी जो अपना अपना रोल प्ले कर रही थी आपसे ओपिनियन देखा जाए तो आपने ओवरऑल कौन मूवी देख रखी होगी तो देखा है तो आपको कौन सा सीन सबसे बेस्ट लगा और कौन सा सीन के साथ साथ आपको कौन किन एक्टर की सबसे अच्छी एक्टिंग लगी और यहाँ पर आपको ये फिल्म भी अच्छी लगी या नहीं वो भी आपने लफ कम बॉक्स में जरूरी अपना ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ऐसी मूवी से रिलेटेड अपडेट्स रहने के लिए और यहाँ पर बता दूँ आप उसको ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी कहाँ पे देखने को मिल जाए मिलेगी और यहाँ पर आप जो कैसे सिम को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकती होती है ये फिल्म आपको ऑफिशियली कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके बारे ऊपर भी बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ सिम का फर्स्ट टीजर आठ दिसंबर को टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में रिलीज़ करवाया गया था फिफ्टी जन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन करके रिपब्लिक डे के पौक पर रिलीज़ करवाया गया ट्वेंटी फाइव जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में और यहाँ पर रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज़ होने के बाद इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज़ मिले और यह फिल्म बॉक्स पर एक अच्छी खासी फिल्म चल गई लेकिन उतना इस फिल्म को नुकसान हो सकता था लेकिन फिर भी ये फ़िल्म चल गई और अपना बजट भी रिकवर कर गई तो यहाँ पर बात करें नेटफ्लिक्स की तो यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है ये हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हो चुकी है जी हाँ दोस्तों हिंदी में आप दूसरी फिल्म को ऑफिशियली वॉच कर सकती हो नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी हिंदी सब और इंग्लिश सब दोनों में तो आप दूसरी फिल्म को जिस भी लैंग्वेज में देखना चाहो जिस भी सब में देखना चाहो तो वहाँ पर आप दोस्त देख सकते हो और साथ ही इस फिल्म को अगर आपने ऑलरेडी देख रखा है तो आपने लाजमी कन्बॉक्स में ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही आप दोस्तों ऋतिक रोशन के डाई हार्ट फैन हो तो लाजमी वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कॉमेंट भी डिस्क्रिप्शन में कर देना और सॉरी कम लॉस में कर देना और यहाँ पर वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ दोस्तों जो कि फाइटर मूवी के बारे में 2024 में रिलीज की गई ऋतिक रोशन एंड दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म एंड अनिल कपूर स्टारर फिल्म फाइटर जो कि ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई इस फिल्म गोटिड प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में तो अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी फाइटर मूवी को देखने के गए हैं तो आप उसको बता दूँ इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको फ़ाइटर मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर और ऑफिशियली कैसे देख सकते हो इस फिल्म को वो बताया जाएगा और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म कैसी है फिल्म का रिव्यू किया जाने वाला है जिससे आप जिसका टाइम थोड़ा सा बच सकते अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो जिसमें आप उसको इस वीडियो के अंदर इस फिल्म का रिव्यू भी देखने को मिलेगा साथ इस के के बारे में बताया जाएगा और साथ ही इस का पोस्ट प्रोडक्शन और कलेक्शन और यहाँ पर म्यूजिक डिपार्टमेंट और यहाँ पर के ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फाइटर मूवी की तो फाइटर ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फ़िल्म थी और फोको सेंसर की तरफ से दो घंटे चालीस मिनट का रनिंग टाइम और ड्यूरेशन दिया गया है और यहाँ पर इस को जो रेटिंग मिली हुई है टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है वो भी जो कि गूगल के ऊपर और यहाँ पर फिल्म को ट्वेंटी फाइव जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ करवाया गया था थिएटर में और ये एक जब थिएटर में रिलीज़ हुई थी तो इस को जो कि कुछ खास रिव्यूज़ भी नहीं मिले थे वो भी बात करते हैं सबसे पहले इस फिल्म को जो रेटिंग वगैरह है न, टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है एटी सिक्स परसेंट लाइक भी मिले हुए हैं और यहाँ पर इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सिद्धार्थ आर्या ने टू पॉइंट फाइव बिलियन से यार इंडियन रुपीज़ में इस फिल्म का जो बजट था यानी ढाई सौ करोड़ फिल्म का बजट था और फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी वाईकॉम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर स्टोरी फिल्म को जो कि लिखा था रोमन चेब ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद ने तो यहाँ पर सारा कुछ बात करते हैं एगेसन के बारे में तो फाइटर मूवी की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दूँ फाइटर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई इंडियन जो कि हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा वाली फिल्म थी डायरेक्टर जो कि सुन को किया सिद्धार्थ आना बेस्ड जो कि स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर रोमांचिव प्रोड्यूसर हैं फिल्म के और यहाँ पर जो स्टोरी बेस्ड है ना वो नाइन्टीज़ तो के ज़माने के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर गाजा के ऊपर यहाँ पर जो अटैक्स वगैरह है ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म थी तो उसके ऊपर भी बात करते हैं आगे डिटेल के साथ यहाँ पर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं वाईकम एटी स्टूडियोज़ और यहाँ पर मारफ्लिक्स पिक्चर्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पर डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने स्टोरी को लिखा है रोमन चिप ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद ने स्क्रीन प्ले रोमन चिप ने मिलकर जो कि लिखा है और यहाँ पर डैलाक्स को लिखा है हुसैन दलाल ने और यहाँ पर अब्बास दलाल और यहाँ पर बिस्वत सरकार ने और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं ममता आनंद और यहाँ पर अंजीत अंदारे अनकू पांडे और यहाँ पर रोमन चिप और यहाँ पर कैमन वेस और यहाँ पर बात करें सैनमोडोग्राफी की थी तो यहाँ पर सच थे सचिन जो के पॉलिस फिल्म के सैनोडोग्राफर हैं आरिफ शेख सिम का एडिटर हैं और यहाँ पर फिल्म को म्यूज़िक दिया हुआ था सचिन बल्हारे ने और यहाँ पर अंकित बल्हारे ने और यहाँ पर सॉन्ग्स वगैरह को म्यूज़िक दिया विशाल शेखर ने और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी है वाईकम एटीन स्टूडियो मार्फ्लिक्स पिक्चर्स और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वाईकम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर रिलीज डेट इस फिल्म की 25 जो कि जैन 2024 है और फिल्म का रनिंग टाइम जो है सेंसर की तरफ से मिला हुआ वो है 167 मिनट यानी दो घंटे जो कि 46 मिनट और यहां पर इस फिल्म को जो लैंग्वेज है ना वो हिंदी की है और फिल्म का बजट था 250 करोड़ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 337 करोड़ कलेक्शन किया और ये फिल्म बॉक्सस पर एक का टैग लेने में भी, भी जो कि कामयाब हो चुकी है तो यहाँ पर बात करें स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर आप इसको बता दूं इस फिल्म को जो कि पहले ऑफिशियल रिलीज़ करवाया जाने वाला था थिएटर में तीस सेप्टेम्बर टू में बाद में इस फिल्म को जो कि ट्वेंटी जनवरी टू में ऑफिटल रिलीज करवा दिया गया रिपब्लिक डे के मौका पर और इस फिल्म को उस टाइम पर मिक्सड रिव्यूज़ मिले कुछ खास जो कि रिव्यूज़ ना मिलने की वजह से ये फिल्म जो कि बॉक्सेस पर ठीक ठाक है बॉक्सेस पर कलेक्शन कर जाती है लेकिन उतना कलेक्शन नहीं करती जितना ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही थी और ऑडियंस इनको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी तो यह भी ठीक ठाक बजट है और ने काफ़ी अच्छा जो कि कलेक्शन किया हुआ है यहां पर बात करें फिल्म की स्टोरी के बारे में तो यहां पर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के ऊपर जो कि टेरिस्ट अटैक वगैरह होते हैं ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहां पर प्लान वगैरह किया जाते हैं जो इंडिया के ऊपर टारगेट करके जो कि <coughs> ट्राइड के कट के जो प्लान वगैरह किए गए होते हैं अटैक के उन्हीं के ऊपर बेस्ड की गई ये फिल्म है और यहाँ पर कौन कौन सी कास्ट हमें देखने को मिली है वो उसके ऊपर बात करें तो यहाँ पर ऋतिक रोशन जो कि इस फिल्म के अंदर स्क्वाडन लीडर का रोल प्ले करें जिनका नाम शमशेर होता है और यहाँ पर दीपिका पैडाउकोड स्क् स्क्वाडर जो कि यहाँ पर स्क्वाडन लीडर के रोल में प्ले कर रही हैं और यहाँ पर मिनल मिनी उनका नाम होता है और यहाँ पर अनिल कपूर भी हैं जो ग्रुप कैप्टन का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम राकेश होता है और यहाँ पर करण सिंह ग्रोवर सि के अंदर स्कॉल लीडर का रोल प्ले करो यहां पर उनका नाम सरताज होता है और यहाँ पर जो कि अक्षय ओपराए फिल्म के अंदर स्कॉड लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं हुआ उनका नाम इस फिल्म के अंदर बाशीर ख़ान होता है और यहाँ पर ऋषभ सिनवे फिल्म के अंदर जो कि अजहर अख्तर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर संजीदा शेख फिल्म के अंदर सांची गिल का रोल प्ले कर यहाँ पर अशुतोश आतुश अशुतोष राना जो फिल्म के अंदर ना अभिजेज राठौर का रोल प्ले कर करें फिल्म के अंदर जो कि गेस्ट अपीरेंस में देखने को मिल जाते हैं गीता अग्रवाल फिल्म के अंदर उषा राठौर का रोल प्ले करी यहाँ पर तलत अजीज़ फिल्म के अंदर मिस्टर पथ जिनुक का रोल प्ले करो यहाँ पर शरीफ हाशमी फिल्म के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले करो यहाँ पर बात करें आगे कास्ट की तो यहाँ पर संजीव जायसवाल इसम के अंदर मजीद खान का रोल प्ले कर यहाँ पर बवीन सिंह इस फिल्म के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें उनका नाम होता है सुखी और यहाँ पर महेश शेट्टी इस फिल्म के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें वो भी उनका नाम होता है फिल्म के अंदर राचन उन्नी जो कि उन्नी आनीन जो कि उनका नाम होता है सीरत मस्द इसम के अंदर स्कॉडिलर का रोल प्ले कर रहे हैं और इनका नाम होता है नायना और यहाँ पर बात करें निशान खा खानूजू की तो वो फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं और यहाँ पर चंदन के आनंद इसम के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले हैं उनका नाम हर्ष नोटी होता है और यहाँ पर मुश्ताक केकल के अंदर मकसूद अब्रार का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर विनो वर्मा इस के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर हरीश का, कात्री इस के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रोल प्ले कर यहाँ पर रोमन शेप इसम के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर चंद्रशेखर अंदर राव एजेंट जैर ज़रीना का रोल प्ले कर रही हैं और यहाँ पर सामविंदना इस फ़िल्म के अंदर भी रोल प्ले करती हुई दिखाई हैं बाशी की वाइफ का और यहाँ पर गीता सोदी फिल्म के अंदर मिस्टर मिसिस खान का रोल प्ले कर यहाँ पर और गुरमीत चावला इस फ़िल्म के अंदर जो कि चीफ ऑफ एयर द स्टाफ का रोल प्ले कर रही हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले कर रही है और ये सारी कास्ट वगैरह जो अपना अपना रोल प्ले करने के साथ साथ जो कि सिम के अंदर देखने को मिली है कास्ट वगैरह भी ठीक ठाक है और यहाँ पर जो कि एक्टिंग वाइज़ देखा जाए तो यहाँ पर एक्टिंग वाइज़ सारी की जो कि देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी है और यहाँ पर जो कि ख़ास एक्टिंग हमें देखने को मिली है ऋतिक रोशन की और यहाँ पर दीपिका की भी एक्टिंग ठीक है और यहाँ पर अनिल कपूर का भी इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छा रोल देखने को मिला है तो यहाँ पर ये सारी कास्ट वगैरह थी जो अपना अपना रोल प्ले कर रही थी आपसे ओपिनियन देखा जाए तो आपने ओवरऑल मूवी देख रखी होगी तो देखा है तो आपको कौन सा सीन सबसे बेस्ट लगा और कौन सा सीन के साथ साथ आपको कौन किन एक्टर की सबसे अच्छी एक्टिंग लगी और यहाँ पर आपको ये फिल्म भी अच्छी लगी या नहीं वो भी आपने लफ कमेंट बॉक्स में जरूरी अपना ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और ऐसी मूवी से रिलेटेड अपडेट्स रहने के लिए और यहाँ पर बता दूँ आप उसको ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी कहाँ पे देखने को मिल मिले मिलेगी और यहाँ पर आप जो कैसे सिम को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकती होती है ये फिल्म आपको ऑफिशियली कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके बारे ऊपर भी बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ सिम का फर्स्ट टीजर आठ दिसंबर को टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में रिलीज़ करवाया गया था फिफ्टी जन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन करके रिपब्लिक डे के मौका पर रिलीज़ करवाया गया ट्वेंटी फाइव जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में और यहाँ पर रिपब्बलिक डे के मौके पर रिलीज होने के बाद इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिले और यह फिल्म बॉक्स पर एक अच्छी खासी फिल्म चल गई लेकिन उतना इस फिल्म को नुकसान हो सकता था लेकिन फिर भी यह फिल्म चल गई और अपना बजट भी रिकवर कर गई तो यहाँ पर बात करें नेटफ्लिक्स की तो यहाँ पर, तो पर इस फिल्म को ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है ये कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हो चुकी है जी हाँ दोस्तों हिंदी में आप दूसरी फिल्म को ऑफिशियली वॉच कर सकते हो नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी हिंदी सब और इंग्लिश सब दोनों में तो आप दूसरी फिल्म को जिस भी लैंग्वेज में देखना चाहो जिस भी सब में देखना चाहो तो वहाँ पर आप दोस्त देख सकते हो और साथ ही इस फिल्म को अगर आप सीने ऑलरेडी देख रखा है तो आपने लाजमी कन्बॉक्स में ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही आप दोस्तों ऋतिक रोशन के डाई हार्ट

जो कि ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई इस फिल्म गोटिड प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में तो अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इस फिल्म यानी फाइटर मूवी को देखने के गए हैं तो आप उसको बता दूँ इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको फ़ाइटर मूवी देखने को नहीं मिलेगी हाँ लास्ट में बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर और ऑफिशियली कैसे देख सकते हो इस फिल्म को वो बताया जाएगा और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म कैसी है फिल्म का रिव्यू किया जाने वाला है जिससे आप जिसका टाइम थोड़ा सा बच सकते अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देख सकती हो जिसमें आप उसको इस वीडियो के अंदर इस फिल्म का रिव्यू भी देखने को मिलेगा साथ इस के, के बारे में बताया जाएगा और साथ ही पोस्ट प्रोडक्शन और कलेक्शन और यहां पर म्यूजिक डिपार्टमेंट और यहाँ पर के ऊपर भी बातचीत की जाने वाली है अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें फाइटर मूवी की तो फाइटर ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है और ये एक एक्शन थ्रिलर वाली फ़िल्म थी और इनको सेंसर की तरफ से दो घंटे चालीस मिनट का रनिंग टाइम और ड्यूरेशन दिया गया है और यहाँ पर इस फिल्म को जो रेटिंग मिली हुई है टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है वो भी जो कि गूगल के ऊपर और यहाँ पर इसको ट्वेंटी फाइव जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ करवाया गया था थिएटर में और ये एक जब थिएटर में रिलीज़ हुई थी तो इस को जो कि कुछ खास रिव्यूज़ भी नहीं मिले थे वो भी बात करते हैं सबसे पहले इस फिल्म को जो रेटिंग वगैरह है न, टेन बाई सिक्स पॉइंट फाइव की रेटिंग मिली हुई है एटी सिक्स परसेंट लाइक भी मिले हुए हैं और यहाँ पर इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सिद्धार्थ आर्या ने टू पॉइंट फाइव बिलियन से यार इंडियन रुपीज़ में फिल्म का जो बजट था यानी ढाई सौ करोड़ फिल्म का बजट था और फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी वाईकॉम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर स्टोरी फिल्म को जो कि लिखा था रोमन चेब ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद ने तो यहाँ पर सारा कुछ बात करते हैं एगेसन के बारे में तो फाइटर मूवी की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दूँ फाइटर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई इंडियन जो कि हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा वाली फिल्म थी डायरेक्टर जो कि सुन को किया सिद्धार्थ आना बेस्ड जो कि स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर रोमांचिव प्रोड्यूसर हैं फिल्म के और यहाँ पर जो स्टोरी बेस्ड है ना वो नाइन्टीज़ तो के ज़माने के ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर गाजा के ऊपर यहाँ पर जो अटैक्स वगैरह है ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म थी तो उसके ऊपर भी बात करते हैं आगे डिटेल के साथ यहाँ पर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं वाईकम एटी स्टूडियोज़ और यहाँ पर मारफ्लिक्स पिक्चर्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पर डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने स्टोरी को लिखा है रोमन चिप ने और यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद ने स्क्रीन प्ले रोमन चिप ने मिलकर जो कि लिखा है और यहाँ पर डैलाक्स को लिखा है हुसैन दलाल ने और यहाँ पर अब्बास दलाल और यहाँ पर बिस्वत सरकार ने और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं ममता आनंद और यहाँ पर अंजीत अंदारे अंकु पांडे और यहाँ पर रोमन चिप और यहाँ पर कैमन वेस और यहाँ पर बात करें सैनोडोग्राफी की थी तो यहाँ पर सच थे सचिन जो के पॉलिस के सैनोडोग्राफर हैं आरिफ शेख सिंह के एडिटर हैं और यहाँ पर फिल्म को म्यूजिक दिया हुआ था सचिन बलहारे ने और यहाँ पर अंकित बल्हारे ने और यहाँ पर सॉन्ग्स वगैरह को म्यूजिक दिया विशाल शेखर ने और यहाँ पर प्रोडक्शन uh, कंपनी है वाईकम एटीन स्टूडियो फ्लिक्स पिक्चर्स और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वाईकम एटीन स्टूडियोज़ और यहाँ पर इस फिल्म की ट्वेंटी फाइव जो कि जैन टू है और फिल्म का रनिंग टाइम जो है सेंसर की तरफ से मिला हुआ वो है एक मिनट यानी दो घंटे जो कि छियालीस मिनट और यहाँ पर इस फिल्म को जो लैंग्वेज है ना वो हिंदी की है और फिल्म का बजट था ढाई सौ करोड़ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तीन सौ सैंतीस करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग लेने में भी, भी जो कि कामयाब हो चुकी है तो यहाँ पर बात करें स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ इस फिल्म को जो कि पहले ऑफिशियल रिलीज़ करवाया जाने वाला था थिएटर में तीस सेप्टेम्बर टू में बाद में इस फिल्म को जो कि ट्वेंटी जनवरी टू में ऑफिशियल रिलीज़ करवा दिया गया रिपब्लिक डे के मौका पर और इस फिल्म को उस टाइम पर मिक्सड रिव्यूज़ मिले कुछ पास जो कि रिव्यूस ना मिलने की वजह से ये फिल्म जो कि बॉक्सेस पर ठीक ठाक है एवरेज जो कि बॉक्सेस पर कलेक्शन कर, कर जाती है लेकिन उतना कलेक्शन नहीं करती जितना ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही थी और ऑडियंसेस इनको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी तो ये भी ठीक ठाक बजट है और इसमें ने काफ़ी अच्छा जो कि कलेक्शन किया हुआ है यहाँ पर बात करें फ़िल्म की स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के ऊपर जो कि टेरिस्ट अटैक वगैरह होते हैं ना उनके ऊपर बनाई गई फिल्म है और यहाँ पर प्लान वगैरह किया जाते हैं जो इंडिया के ऊपर टारगेट करके जो कि <laughs> ट्रैक के कट के जो प्लान वगैरह किए गए होते हैं अटैक के उन्हीं के ऊपर बेस्ड की गई ये फिल्म है और यहाँ पर कौन कौन सी कास्ट हमें देखने को मिली है वो उसके ऊपर बात करें तो यहाँ पर ऋतिक रोशन जो कि इस फिल्म के अंदर स्क्वाडन लीडर का रोल प्ले करें जिनका नाम शमशेर होता है और यहाँ पर दीपिका पैडाउकोड स्क् स्क्वाडर जो कि यहाँ पर स्क्वाडन लीडर के रोल में प्ले कर रही हैं और यहाँ पर मिनल मिनी उनका नाम होता है और यहाँ पर अनिल कपूर भी हैं जो ग्रुप कैप्टन का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम राकेश होता है और यहाँ पर करण सिंह ग्रोवर के अंदर स्कॉड लीडर का रोल प्ले करो यहां पर उनका नाम सरताज होता है और यहाँ पर जो कि अक्षय ओपराए फिल्म के अंदर स्कॉड लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम इस फिल्म के अंदर बाशीर ख़ान होता है और यहाँ पर रिशभ सिनवे तो, फिल्म के अंदर जो कि अजहर अख्तर का रोल प्ले कर यहाँ पर संजीदा शेख फिल्म के अंदर सांची गिल का रोल प्ले कर यहाँ पर अशुतो अश आतुश अशुतोष राना जो फिल्म के अंदर ना अभिचेज राठौर का रोल प्ले करें फिल्म के अंदर जो कि गेस्ट अपीरेंस में देखने को मिल जाते हैं गीता अग्रवाल इस फिल्म के अंदर उषा राठौर का रोल प्ले करी यहाँ पर तलत अजीज़ फिल्म के अंदर मिस्टर पत थानिया का रोल प्ले करो यहाँ पर शरीफ हाशमी फिल्म के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले कर यहाँ पर बात करें आगे कास्ट की तो यहाँ पर संजीव जयसवाल फिल्म के अंदर मजीद खान का रोल प्ले करो यहाँ पर बवीन सिंह फिल्म के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें उनका नाम होता है सुखी और यहाँ पर महेश शेट्टी फिल्म के अंदर स्कॉट लीडर का रोल प्ले करें वो 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 भी उनका नाम होता है फिल्म के अंदर राजन उन्नी जो कि उन्नी आनीन जो कि उनका नाम होता है सीरत मस्द इसम के अंदर स्कॉडिलर का रोल प्ले कर रहे हैं और इनका नाम होता है नायना और यहाँ पर बात करें निशान खा खानूजू की तो फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं और यहाँ पर चंदन के आनंद इसम के अंदर विंग कमांडर का रोल प्ले हैं उनका नाम हर्ष नोटी होता है और यहाँ पर मुश्ताक केक के अंदर मकसूद अबरार का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर विनय वर्मा इस फिल्म के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर हरीश क... कात्री इस फिल्म के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर रोमन शेब इसम के अंदर एयर कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर चंद्रशेखर सिम के अंदर राव एजेंट जैर ज़रीना का रोल प्ले कर रही हैं और यहाँ पर सामविंदना इस फ़िल्म के अंदर भी रोल प्ले करती हुई दिखाई हैं बाशी की वाइफ का और यहाँ पर गीता सोदी फ़िल्म के अंदर मिस्टर मिसिस खान का रोल प्ले कर यहाँ पर और गुरमीत चावला इस फ़िल्म के अंदर जो कि चीफ ऑफ एयर द स्टाफ का रोल प्ले कर रही हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले कर रही है और ये सारी कास्ट वगैरह जो अपना अपना रोल प्ले करने के साथ साथ जो कि के अंदर देखने को मिली है कास्ट वगैरह भी ठीक ठाक है और यहाँ पर जो कि एक्टिंग के वाइज देखा जाए तो यहाँ पर एक्टिंग वाइज सारी की जो कि देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी है और यहाँ पर जो कि ख़ास एक्टिंग हमें देखने को मिली है ऋतिक रोशन की और यहाँ पर दीपिका की भी एक्टिंग ठीक है और यहाँ पर अनिल कपूर का भी फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छा रोल देखने को मिला है तो यहाँ पर ये यह सारी कास्ट वगैरह थी जो अपना अपना रोल प्ले कर रही थी आपसे ओपिनियन देखा जाए तो आपने ओवरऑल कौन मूवी देख रखी होगी तो देखा है तो आपको कौन सा सीन सबसे बेस्ट लगा और कौन सा सीन के साथ साथ आपको कौन किन एक्टर की सबसे अच्छी एक्टिंग लगी और यहाँ पर आपको ये फिल्म भी अच्छी लगी या नहीं वो भी आपने लगभग कमेंट बॉक्स में जरूरी अपना ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ऐसी मूवी से रिलेटेड अपडेट्स रहने के लिए और यहाँ पर बता दूँ इसको ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी कहाँ पे देखने को मिल जाएगी मिलेगी और यहाँ पर आप जो कैसे सिम को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकती होती है ये फिल्म आपको ऑफिशियली कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके ऊपर भी बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बता दो सिम का फर्स्ट टीजर आठ दिसंबर को टू थाउन्न ट्वेंटी थ्री में रिलीज़ करवाया गया था फिफ्टी जन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में इस फिल्म को पहले रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन करके रिपब्लिक डे के मौका पर रिलीज़ करवाया करवाया गया ट्वेंटी फाइव जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में और यहाँ पर रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज़ होने के बाद इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज़ मिले और यह फिल्म बॉक्स पर एक अच्छी खासी फिल्म चल गई लेकिन उतना इस फिल्म को नुकसान हो सकता था लेकिन फिर भी यह फिल्म चल गई और अपना बजट भी रिकवर कर गई तो यहाँ पर बात करें नेटफ्लिक्स की तो यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है ये कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हो चुकी है जी हाँ दोस्तों हिंदी में आप दूसरी फिल्म को ऑफिशियली वॉच कर सकते हो नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी हिंदी सब और इंग्लिश सब दोनों में तो आप इस फिल्म को जिस भी लैंग्वेज में देखना चाहो जिस भी सब में देखना चाहो तो वहाँ पर आप दोस्त देख सकते हो और साथ ही फिल्म को अगर आपने ऑलरेडी देख रखा है तो आपने लाजमी कम बॉक्स में ओपिनियन बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही आप दोस्त ऋतिक रोशन के डाई हार्ट फैन हो तो लाजमी वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कॉमेंट भी डिस्क्रिप्शन में कर देना और सॉरी कम बॉक्स में कर देना और यहाँ पर वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना